It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, An Academy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. An Academy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, जरा मेरे को बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या सभी लोगों को? जरा मेरे को एक बार बताएंगे ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है क्या सभी लोगों को? जस्ट डू लेट मी नो वंस, ऑडियो वीडियो इज़ एवरीथिंग फाइन? जरा मेरे को बताएंगे। गुड इवनिंग दिग्विजय, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग नागेंद्र। मेरे को बताएंगे ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है क्या सभी लोगों को? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, मेरे साइड से तो क्लियर है, मेरे साइड से क्लियर है। ठीक है, जरा एक बार बताएंगे, एक बार शेयर कर देंगे सारे ग्रुप्स में, जहाँ पर भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं वहाँ पर एक बार शेयर कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्लड्स की बात करने वाले, प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले, रिलायबिलिटी की बात करने वाले, रिस्क की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको मेक श्योर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा हाइड्रोलॉजी में, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रिलायबिलिटी की बारे में बात करने वाले हैं या फ्लड की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का फ्लड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा और कितने टाइम गैप के बाद देखने को मिला है। यही कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, तो इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बात करना चाहूंगा आपसे। ठीक है, मैंने बोला आप लोगों को पता है ये चीज़, तो मैंने बोला देखना जरा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जिन लोगों को मेरे बारे में पता है इट्स फाइन, जिन लोगों को नहीं पता है, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन विद सम गुड रैंक।
अगर मैं बात करूं अभी तक मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी तक मैं मेंटोर कर चुका हूंगा, समझ रहे हो, कि बहुत सारे कॉलेजेस में सेमिनार्स लिए होंगे, बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट्स में होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स है, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। और अगर रैंक वाइज बात करोगे ना तो 500 के अंदर रैंक में मोर देन 100 स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक मैंने मेंटोर कर चुके होंगे, ठीक है। अगर गेट और ईएससी की बात करेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो आई हैव टीचिंग सिंस लास्ट मोर देन फाइव ईयर्स, 5 साल से ज्यादा हो गया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। और ये हैं कुछ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, ठीक है। मैंने बोला ये जो कोड आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अभी इस कोड को परफेक्टली यूज किया। कैसे यूज किया? क्योंकि आपने देखा था कॉम्बैट आया था, तो अभी जो कॉम्बैट, नेक्स्ट कॉम्बैट जो आने वाला है वो वापस से रेडी हो गया है। तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है कॉम्बैट के लिए, आपको पता है क्या करना है? मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाना है और कुछ नहीं करना है, एनरोल कर लेना, ठीक है। इफ दे आस्क यू कि कौन सा आपका रेफरल आईडी क्या है, कुछ भी है, तो इस कोड को यूज कर लेना, प्रतीक 101, ठीक है। इस कोड को वहां यूज कर सकते हो, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी उसका अमाउंट नहीं रहेगा। दूसरा चीज, इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन प्लस सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब स्टडीज एंड स्पेशल क्लासेस। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज दिस कोड प्रतीक 101, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कि सर ये तो बताइए पहले प्लस सब्सक्रिप्शन और इसमें डिफरेंस क्या है सर, तो मैंने बोला यार डिफरेंस तो देखो ऐसा है कि अगर आप प्लस के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस तो सर आता है, क्रैश कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्रैश कोर्स मिलेंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट कर लिया, इसको एक बार रिवाइज करने के लिए ये पढ़ लो, ठीक है। साथ में आपको वीकली टेस्ट होंगे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एंड में इतना चिल्लाया जाता है टेस्ट दो, उससे अच्छा है कि हमको पहले से ही पता रहे कि और क्या चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, साथ में आपके लिए डाउट सॉल्विंग पोर्टल, एक अलग से डाउट सॉल्विंग पोर्टल है जहां पे आप जाकर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन एंगेज्ड इन दैट जो आपके डाउट सॉल्व कर रहा होगा। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी भी फैकल्टी के लिए कि आप सुबह शाम मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे कि सर अवेलेबल है, ठीक है, ये वाला चीज। दूसरा बोला हिंदी, इंग्लिश और दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? तो प्लस में जो चीजें मिल रही है वो तो मिलेंगी, साथ में मिलेगा आपको एक पर्सनलाइज्ड कोच जो आपको गाइड करेगा आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। ये एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और दूसरी चीज ये लगी, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। क्या बोला? गेट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ टेस्ट बाय सेक्शन एंड क्वेश्चन टाइप, ठीक है, सेक्शन वाइज और क्वेश्चन टाइप वाइज पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस रहेगा, ठीक है। मैंने बोला स्टडी प्लानर्स आपके लिए कस्टमाइज्ड स्टडी प्लानर्स रहेगा, स्टडी मटेरियल्स रहेंगे और साथ में आपको स्टडी बूस्टर सेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुई बात किसके लिए? आइकॉनिक कोर्स और प्लस कोर्स के लिए। मैंने बोला सर ये अमाउंट तो बताइए इसका कितना है? आपने बोला कि सर अमाउंट तो बताइए इसका कितना है? मैंने बोला देखो यार ये पहले तो ये सब बात छोड़ के ये देखो कि ये जो चैनल है जिसपे आप अभी हम लोगों को देख रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि आपको सारे फैकल्टीज यहां पे मिल जाएंगे, सारे फैकल्टीज और सारे सब्जेक्ट आपके इसी चैनल पे कवर हो जाएंगे। तो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि आपको कौन से चैनल पे जाके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ भी आपको नीड नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा मैंने बात करा, देखो यहां पे कोर्स के अमाउंट की बात करी, तो ड्यूरेशन देखिए 12 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसके लिए जो अमाउंट है इट इज 27,225, व्हाट अ लीस्ट अमाउंट, मतलब समझ रहे हो, 27,000 रुपए में 12 महीने पढ़ लीजिए, ठीक है। साथ में आप ये सारी चीजें भी ले लीजिए कि आप वीकली टेस्ट दे दीजिए, आप क्रैश कोर्स भी ले लीजिए, आप डाउट सॉल्विंग पोर्टल पे डाउट भी सॉल्व करा लीजिए, ठीक है। सिमिलरली यही चीज 18 मंथ के लिए आप लेते हैं तो इट इज इन 34,650, और अगर यही सेम चीज 24 मंथ के लिए लेते हैं तो इट इज इन 39,600, ठीक है। ये तो बात हुई प्लस कोर्स के लिए। अगर मैं सेम चीज को आइकॉनिक के लिए बताता हूं आपको, तो ये जो आइकॉनिक के लिए ये जो चीज है आइकॉनिक के लिए है, तो ये 12 मंथ का कोर्स इज इन 45,225 और 24 मंथ का कोर्स इज इन 66,600, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू यूज माय कोड प्रतीक 101 व्हाइल गोइंग थ्रू अ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला और बात करता हूं, तो देखो जरा यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप @प्रतीक_मिश्रा, आप यहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा जिस चैनल पे हम लोग, उस चैनल का अनअकैडमी का
टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी क्लासेस होने वाली है अपकमिंग क्लासेस के रिगार्डिंग। दीज आर फ्यू चैनल्स जो दूसरे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे चैनल्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। ठीक है, मैंने बोला अब यहां के बाद अब हम बात करते हैं अपने टेक्निकल बात करते हैं हम अपनी टेक्निकल बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे मैंने बोला आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो फ्लड्स के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर फ्लड्स आर, ठीक है, हाउ दिस फ्लड कैन बी एस्टिमेटेड, हाउ दिस फ्लड कैन बी एस्टिमेटेड, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ फ्लड दैट शुड बी फाइन, ठीक है, व्हाट शुड बी द पीक वैल्यू ऑफ फ्लड दैट शुड बी फाउंड, और भी बहुत सारी बातें एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, कितने दिन बाद आना चाहिए फ्लड, कितने दिन बाद देखना चाहिए, ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जरा यहाँ पे फ्लड की बात कर रहे हैं तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि फ्लड का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्लड का मतलब, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, हाँ, एनवायरमेंट की क्लास आज नहीं हुई है लेकिन एनवायरमेंट की क्लास कल से रोज 11 बजे होगी। ठीक है, मैंने सोचा है कि आपका, देखो मैंने ऐसे ही प्लान बनाया था, तो सुबह 9 बजे आपका क्या रहेगा, सुबह 9 बजे आपका वही हमारा रिवीजन सेशन रहेगा, कल एनवायरमेंट का फॉर्मूला रिवीजन सेशन रहेगा, एनवायरमेंट का 9 से 10 बजे तक, फिर 11 बजे से हमारी जो क्लास चालू होगी 11 बजे से एनवायरमेंट की क्लास चलेगी 1 बजे तक, फिर 4 बजे से 6 बजे तक चलाएंगे हम लोग अपना हाइड्रोलॉजी। कल हाइड्रोलॉजी ऑलमोस्ट 80% फिनिश कर देंगे, एक क्लास लेंगे हाइड्रोग्राफ्स के ऊपर जो कि ऐप में रहेगा, खत्म हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं, ठीक है चलिए आइए जो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, लैग हो रहा है, किसी और का लैग हो रहा है क्या, मेरे को बताओ यार, किसी और का भी लैग हो रहा है, सिर्फ इसका ही लैग हो रहा है, सुजीत का लैग हो रहा है केवल। ठीक है, नोट्स मतलब क्या होता है, करा रहा हूं उसको नोट करना है। ठीक है, चलिए आइए जरा यहां पे हाइड्रोलिक की फर्स्ट क्लास नहीं है बेटा, आज हाइड्रोलॉजी की सेकेंड क्लास है, हाइड्रोलिक्स की फर्स्ट क्लास नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा यहां पे हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी में फ्लड की बात कर रहे हैं, तो फ्लड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे फ्लड रिप्रेजेंट करता है आपका हाई स्टेज ऑफ वॉटर इन अ रिवर। मैंने बोला फ्लड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने बोला फ्लड रिप्रेजेंट करता है हाई स्टेज ऑफ वॉटर इन अ रिवर सराउंडिंग द एडजेसेंट एरिया। ठीक है, सराउंडिंग द एडजेसेंट एरिया। तो क्या बोला, किसको रिप्रेजेंट करता है फ्लड। फ्लड रिप्रेजेंट करता है जब भी आपके रिवर में, स्टेज का मतलब लेवल की बात कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला जब हाई स्टेज ऑफ वाटर अवेलेबल रहेगा, जब हाई डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल रहेगा और जो सराउंडिंग एरिया को कैप्चर कर लेगा, उसी को आप बोलते हो फ्लड बोलते हो। ठीक है, उसी को आप बोलते हो फ्लड। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है फ्लड में, दैट इज पीक डिस्चार्ज, दिस इज फ्लड पीक फ्लड डिस्चार्ज। ठीक है, पीक फ्लड डिस्चार्ज जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मैंने बोला जिसको हम क्यूपी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पीक फ्लड डिस्चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मैंने बोला पीक फ्लड डिस्चार्ज को हम क्यूपी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। हाँ, सिलेबस में है फ्लड, अभी नहीं हुआ है, डब्ल्यू इंडेक्स फाइव इंडेक्स नहीं हुआ है। कल होगा इन्फिल्ट्रेशन, वहां पे करेंगे डब्ल्यू इंडेक्स और फाइव इंडेक्स। मेरे को लगा उससे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं, प्रोबेबिलिटी पे बनते हैं, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी को देखने आए हैं, इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को पहले देख रहे हैं और उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे पीक फ्लड डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला पीक फ्लड डिस्चार्ज आपको चार अलग अलग मेथड से देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला मेथड इज योर रैशनल मेथड, ठीक है।
अब ये रैशनल मेथड आपको क्या बोल रही होगी, तो मैंने बोला आप जो पीक फ्लड डिस्चार्ज है उसको क्यूपी से रिप्रेजेंट करोगे, इसको क्यूपी से रिप्रेजेंट करोगे और आपका रैशनल मेथड का फॉर्मूला बोलेगा इट इज 1/36 क्यू इंटू पीसी इंटू ए के बराबर, ठीक है, 1/36 इंटू क्यू इंटू पीसी इंटू एक के बराबर ही, ठीक है, या क्यू बोल दो या इसको के बोलते, कुछ लोग इसको के बोलते हैं, तो आप इसको के भी लिख सकते हो क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं क्यू के नाम पे, तो आप इसको के भी लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल के भी लिखते हैं कई बार, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्यूपी इज इक्वल टू 1/36 के इंटू पीसी इंटू ए के बराबर। अगर आप यहां पर बात करोगे कि के कौन है आपका, अगर यहां पर आप बात करोगे कि के कौन है आपका, तो के बोलोगे आप, के बोलोगे आप इट इज कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, इसको आपने बोला के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बोला के रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहां पे पीसी की बात करता हूं, पीसी की बात करता हूं, तो आप पीसी बोलते हो, ये आपको रेनफॉल इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, मैंने बोला पीसी की बात करूंगा तो ये आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, रेनफॉल इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, और ये जो रेनफॉल इंटेंसिटी ली जाती है, ये जो रेनफॉल इंटेंसिटी ली जाती है इसको आप हमेशा कंसिडर करोगे 70 सेंटीमीटर पर आर में, इसको आप हमेशा कंसिडर करोगे सेंटीमीटर पर आर में, और यहाँ पे जो एरिया कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे जो एरिया कंसिडर किया जाता है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग, इस एरिया को बोलते हैं हेक्टेयर्स में, इस एरिया को बोलते हैं आपसे हेक्टेयर्स में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट क्या होगी बताना जरा, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट क्या होगी, मेरे को कोई बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट क्या होगी? अरे नागिन बता दिया मैंने बेटा, है फ्लड। कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट कोई बताएगा मेरे को क्या होगी, बताइए जरा कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट क्या होगी? बताइए मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट क्या होगी, आप मुझे कोई भी बताइए मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ की यूनिट क्या होगी। सेंटीमीटर क्यूब पर आर बोल रहा है कोई, और कोई और कोई और कोई, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ बोल रहा हूं, और कोई है? अबे कोएफिशिएंट है वो, कोएफिशिएंट है वो, क्या यूनिट होना चाहिए बताना जरा, फिर से सोचो जरा सब लोग जितने भी लोग हैं, फिर से सोचो जरा कितनी होना चाहिए, कोएफिशिएंट है वो बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट बोलते हैं अगर तो हम लोग उसको यूनिटलेस कंसिडर करते हैं, बोला ठीक है, नो यूनिट, यूनिटलेस रहेगा, इसीलिए पूछा गया था आपसे, इसीलिए पूछा था मैंने आपसे, यूनिटलेस रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज द वे हाउ पीक डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रैशनल मेथड, हाउ पीक डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रैशनल मेथड। अगर यहां से कोई पूछता है कि सर क्यूपी की क्या यूनिट रहेगी, तो आप बोलोगे क्यूपी की जो यूनिट रहेगी इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड रहेगी, ठीक है, यहां से क्यूपी की जो यूनिट आएगी इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपका आंसर आएगा। लेकिन मैंने बोला ये सिर्फ एक ही कंडीशन में एप्लीकेबल है, रैशनल मेथड अगर आप लगा रहे हो तो सिर्फ ये एक ही कंडीशन में एप्लीकेबल है, When your t should be greater than or equal to tc। अब आपके दिमाग में यह आया कि सर ये t और tc क्या है, तो मैंने बोला बेटा t का मतलब होता है टाइम ऑफ रेनफॉल, मैंने बोला t का मतलब होता है टाइम ऑफ रेनफॉल, तो तुमने बोला फिर सर tc का क्या मतलब होता है, तो मैंने बोला tc का मतलब होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपने बोला टी का मतलब होता है टाइम ऑफ रेनफॉल और टीसी का मतलब होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, तो अब आपके दिमाग में ये तो आया, आपको पता चल गया कि सर टाइम ऑफ रेनफॉल तो मेरे को पता है सर क्या होता है, टाइम ऑफ रेनफॉल का मतलब तो मैं निकाल लूंगा सर, सर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन और बता दीजिए कि क्या होता है, तो मैंने बोला बहुत ही आसान चीज है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बताना, तो मैंने बोला ये देखिए आप कोई भी एक रिवर का सेक्शन कंसिडर करिए, मैंने बोला आपको कि आप कोई भी एक रिवर का सेक्शन कंसिडर करिए, मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एक रिवर का सेक्शन कंसिडर करिए, अरे यार जो प्लान कर रहे हो वही नहीं हो रहे, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एक रिवर का सेक्शन कंसिडर करिए, यहाँ पे मैंने बोला ये मान लीजिए कि आपका जो रिजर्वायर है वो यहाँ बना हुआ है, मैंने बोला आपका जो रिजर्वायर है वो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये देखा आपने आपका जो डैम बना हुआ है या रिजर्वायर जो है वो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, रिजर्वायर जो है वो यहाँ बना हुआ है, मैंने बोला इस पूरे रिवर में अगर पानी पूछूंगा कहाँ से आ रहा है, तो आप यही बोल रहे हो कि इस पूरे कैचमेंट से पानी आ रहा होगा, बोला हाँ इस पूरे कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा होगा, इस पूरे कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा होगा,
सही बात है, इस पूरे कैचमेंट एरिया से इस पे पानी आ रहा होगा, इस रिवर पे मैं पानी आ रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मैंने बोला यहाँ से पानी आने में, इस रिवर तक आने में कुछ टाइम लगा होगा ऑब्वियसली, और मैंने बोला यहाँ से जो पानी यहाँ जा रहा होगा उसको भी कुछ टाइम लग रहा होगा, यहाँ जो कोई भी एक पार्टिकल आपने रख दिया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ पार्टिकल को टाइम लग रहा होगा। मैंने बोला देखो, अगर टाइम ऑफ रेनफॉल इज लेस देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है तो क्या होगा, टाइम ऑफ रेनफॉल इज लेस देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है तो ये रेनफॉल से जो पानी आने वाला था, पूरा पानी इसमें आने वाला था, वो पीक आने के पहले ही रेनफॉल हो गई बंद और ये पानी कहाँ पहुँच गया, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज दिस, कि ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये जो पार्टिकल था वो यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि रेनफॉल ज़्यादा देर तक होती रहे तो क्या हो कि अगर वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप रेनफॉल होती रहेगी तो आपको पीक किसी और जगह देखने को मिलेगा, कंपैरेटिव टू जब आप बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे कि टाइम ऑफ रेनफॉल कम होता तो आपका जो पीक आया था आपका पानी तो पूरा पहुंचा ही नहीं था यहाँ पे स्ट्रीम तक, और ये पानी यहाँ जा रहा था, तो आपको कोई भी पीक जो देखने को मिलेगा वो पीक का एक्यूरेट वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज तो पूरा एग्जैक्टली पहुंच ही नहीं पाया आपकी स्ट्रीम तक। जब डिस्चार्ज एग्जैक्टली स्ट्रीम तक पहुंचेगा, जब आपका टाइम ऑफ रेनफॉल ज्यादा होगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से, ये टाइम की बात कर रहा है, यहां से एक पार्टिकल को यहां तक जाने में जो भी टाइम लग रहा होगा दैट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, तो इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, और जो यहां से जो पार्टिकल ट्रेवल होकर आया तो हम बात कर रहे हैं इस डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज के लिए बोल रहा है। अगर आपको पीक डिस्चार्ज देखना है तो योर टाइम ऑफ रेनफॉल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, योर टाइम ऑफ रेनफॉल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो बात करी आपने किसके बारे में, ये बात करी आपने रैशनल मेथड के बारे में। तो रैशनल मेथड कभी भी आपको दी होगी तो मैंने बोला फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, क्यों? क्योंकि वो पता है किस में खेलता है, जब भी रैशनल मेथड की बात करेगा तो आपसे यूनिट्स के साथ खेलने को ट्राई करेगा, तो मेक श्योर आपको पता रहे कि इनमें से किसकी यूनिट कौन कौन सी है। आपको हमेशा रेनफॉल की यूनिट सेंटीमीटर पर आर में लेनी है, और आपको एरिया जो लेना है वो हमेशा हेक्टेयर्स में लेना है, और यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा दैट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आती है तो मेथड टू की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैंने बोला सेकेंड मेथड देखेंगे, मेथड टू बता रहा हूं मैं आपको जिसको आप बोलते हैं इंपीरिकल मेथड, मेथड टू फॉर फाइंडिंग पीक फ्लड डिस्चार्ज, इसको आप बोलते हैं इंपीरिकल मेथड, ठीक है। अगर मैं इंपीरिकल मेथड की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले इंपीरिकल मेथड मतलब आपको कुछ भी ऐसा देखने का, आपकी जो फॉर्मूला होगा जो भी आपका मेथड होगा इट इज़ बेस्ड प्योरली ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंपीरिकल मेथड की तो योर इंपीरिकल मेथड इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और अगर वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है तो देखना जरा यहाँ पे कि क्या हो रहा होगा। तो मैंने बोला सबसे पहले इंपीरिकल मेथड में मैं बात कर रहा हूँ डिकेंस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो ये बोलता है QP इज इक्वल टू पीक डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिकिन डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 3/4। मैंने बोला Q इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 3/4। यहाँ पे ए जो रहेगा वो किलोमीटर स्क्वायर्स में रहेगा, मैंने बोला यहाँ पे जो ए रहेगा वो किलोमीटर स्क्वायर्स में रहेगा, और इसको आपने क्या बोला है, दिस इज योर डिकिन्स कॉन्स्टेंट। अगर कोई चाहता है कि डिकिन कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताइए तो आप बोलोगे ये डिकिन कॉन्स्टेंट वेरी करता है 6 से लेकर 30 के बीच में। मैंने बोला अगर कोई बात करेगा ये डिकिन कॉन्स्टेंट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा तो आप बोलोगे 6 से लेकर 30 के बीच में वेरी करता है। कोई बोलेगा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या, इसकी यूनिट क्या बोल रहे होगे, तो आप बोलोगे इस क्यू की जो यूनिट मिल रही होगी वो मीटर क्यूब पर सेकेंड मिल रही होगी, ठीक है। ये देखा आपने। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपसे, सेकेंड आपने देखा डिकिन्स फॉर्मूला देखा, सेकेंड बोलते हैं इज राइव्स फॉर्मूला।
राइव्स फार्मूला या राइव्स मेथड? राइव्स फार्मूला, ठीक है। राइव्स फार्मूले के हिसाब से पीक डिस्चार्ज की बात कर रहा था, राइव्स फार्मूले के हिसाब से पीक डिस्चार्ज की बात कर रहा था, ठीक है, पीक फ्लड डिस्चार्ज की बात कर रहा था। तो इट इज इक्वल टू सीआर इंटू ए टू द पावर 2/3 के बराबर, सीआर इंटू ए टू द पावर 2/3 के बराबर। कोई यहां पे पूछता है कि इसकी वैल्यू बताइए, यहां पे जो एरिया है वो किलोमीटर स्क्वायर में ही रहेगा, और आर सी आर की वैल्यू पूछेगा, अगर आपसे सी आर की वैल्यू अगर पूछेगा तो आप बोलोगे इट लाइज बिटवीन सी 6 से लेके 11 के बीच में, और इसी को बोलते हो आप राइव्स कांस्टेंट, इसी को बोलते हो राइव्स कांस्टेंट, राइव्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे सी क्यूपी की बात करेगा, यहाँ पे क्यूपी की बात करेगा, तो आप बोलोगे इस क्यूपी की जो यूनिट रहेगी इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर, इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर, ठीक है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। मैंने बोला अब ये आपका कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही छोटा सा स्टेट एग्जाम होगा या कोई भी एसएससी वैसएससी होगा वहां पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे नॉर्दर्न एरिया में जितना भी यूज होता है, नॉर्दर्न एरिया में या सेंट्रल इंडिया में जितना भी यूज होता है वो डिकेंस फार्मूला से यूज करते हैं, और मैंने बोला जब सदर्न एरिया की बात आती है तो राइव्स फार्मूला यूज करते हैं। मैंने बोला सदर्न इंडिया की जब भी बात आएगी तो आपसे हमेशा राइव्स फार्मूला यूज करने को बोलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बात हुई किसके बारे में? ये इम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात हुई। मैंने बोला इम्पिरिकल फार्मूला, एक और टाइप का इम्पिरिकल फार्मूला यूज होता है, एक और टाइप का इम्पिरिकल फार्मूला यूज होता है जिसको बोलते हो आप थर्ड इज योर इंग्लिश फार्मूला, थर्ड इज योर इंग्लिश फार्मूला। व्हाट इज दिस इंग्लिश फार्मूला? इंग्लिश फार्मूला इज यूज टू फाइंड द पीक डिस्चार्ज, पीक फ्लड डिस्चार्ज, एंड द वैल्यू फॉर दिस पीक फ्लड डिस्चार्ज इज 24A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए प्लस 10.4। हियर ए की कोई यूनिट पूछेगा तो इट इज इन किलोमीटर स्क्वायर, और मैंने बोला क्यूपी की कोई बात करेगा तो इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो ये तीनों फार्मूला याद रहेंगे, ये तीनों फार्मूला याद करना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट का डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट का डायरेक्ट आपसे फार्मूला का एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट का डायरेक्ट आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाता है, इवन गेट में भी एक्सप्रेशन पूछा गया है, ठीक है, इवन गेट में भी आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो यू विल जस्ट गो फॉर द एक्सप्रेशन बात, ठीक है, यू विल जस्ट गो फॉर द एक्सप्रेशन वाली बात, ठीक है। एक और चीज देखो जरा यहाँ पे, एक और चीज देखना जरा यहाँ पे, मैंने बोला एक एक एकदम से शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर आपसे इंग्लिश फार्मूला पे बात चल रही है, अगर आपसे इंग्लिश फार्मूला पे बात चल रही है और आप एग्जाम में बैठे हुए हो, और आप एग्जाम में एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, और एग्जाम हॉल में बैठे हुए और चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी, ध्यान से सुनना मेरी बात को क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और चार ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन चारों ऑप्शन के बीच में गैप ज़्यादा ज़्यादा है, इन चारों ऑप्शन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 124.3, 124.7, 123.8 ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप ना कुछ फिर ये नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको गैप ज़्यादा मिलता है और आपके पास समय की कमी है, और आपके पास अगर समय की कमी है तो आप क्या करने वाले हो, तो आप क्या करने वाले हो, मैंने वाला पता है क्या करना है आपको, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी के टर्म्स में, है ना, इसको उस पर मत लगा लेना, उस पर मत लगा लेना, डेटा टाइप क्वेश्चन पे मत लगा लेना। मैंने बोला अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करना, आप खेल लेना एक गेम, और वो गेम बोलता है कि आप इसको कर लेना, आप इसको कर लेना, वो गेम बोलता है आप इसको कर लेना 123√a, इससे जो भी आंसर आएगा ए बी सी डी में से, जो भी इसके सबसे क्लोज होगा उस आंसर को मार्क कर देना। मैंने बोला इससे जो भी सबसे क्लोज होगा उसको मार्क कर देना, समझ में आया ये बात, ठीक है, समझ में आई ये बात बेटा, रूट ए है दिग्विजय, रूट ए है, 124A नहीं, 123A नहीं, 123√a है, 123√a है, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में बात करी जाएगी तो आप क्या करना, अगर इन दोनों चारों के बीच में गैप ज्यादा है तो आप ये निकाल लेना, और यहां से जो भी सबसे पास में रहेगा उसको आंसर मार्क कर देना, यही तो करना है हमको, गेट में टाइम ही तो बचाना है, तो टाइम बचा लेंगे, टाइम बचा लेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बोला अब नेक्स्ट मेथड बताने के पहले, मैंने आपको दो मेथड बता चुका हूं, मैं आपको दो मेथड बता चुका हूं, मेथड वन एंड मेथड टू, ठीक है। मेथड वन में आपने देखा रैशनल मेथड, और मेथड टू देखा आपने इंपिरिकल मेथड, मेथड टू देखा आपने इंपिरिकल मेथड। नाउ व्हाट आई वांट, नाउ व्हाट आई वांट क्या लिखा है बेटा किसी ने,
हाँ पीक फ्लड डिस्चार्ज मीन्स मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, नहीं पीक फ्लड डिस्चार्ज मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, पीक फ्लड डिस्चार्ज बता रहा है आपका कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, ठीक है, पीक कॉन्करेंट बोलते जिसको, जो आपका पीक वैल्यू क्या आई थी, डिस्चार्ज की पीक वैल्यू क्या आई थी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज तो एंड पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, पीक की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अगर यहां तक मैंने बात करी आपसे, अगर यहां तक मैंने आपसे बात करी तो मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, कल के कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन, कल के कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन, कल जो भी बातें हमने सीखी थी उसके कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए लाया था मैं ये क्वेश्चन, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लीजिए गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस देखना चाहता था मैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस देखना चाहता था मैं कि कितना आपका इस पर कमांड है, कितना आपका इस पर कमांड है, उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं बता रहा था आपको कि ये प्लस पे एक बैच स्टार्ट हो गया है, ये प्लस पे एक बैच स्टार्ट हो गया है, तो इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन प्लस कोर्स, ऑब्वियसली क्योंकि प्लस का डिफरेंस है, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्लस और फ्री क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस ऑन प्लस कोर्स, तो आप देख ही रहे हो, मेरे को त्यागी सर देखने को मिलेंगे, अभिषेक सर देखने को मिलेंगे आपको इस कोर्स में, तो इफ़ यू आर विलिंग फॉर प्लस कोर्स, वन ईयर या टू ईयर दोनों का क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो इफ़ यू आर विलिंग टू टेक प्लस कोर्स यू कैन यूज माई कोड प्रतीक101, ठीक है, वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लस कोर्स पे। मैं जो स्टार्ट करूंगा वो ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करूंगा, एंड यू ऑल नो कि ट्रांसपोर्टेशन जब हम पढ़ाते हैं तो फिर अलग लेवल का पढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जब हम पढ़ाते हैं तो अलग लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं थी, ये तो बस मेरे को बताना था कि आपको प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मेक इट हैपन विद टॉप एजुकेटर्स, यस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अच्छा मैं आपको आइसो हाइट्स नहीं बताया हूं, ये देख के अभी मेरे को समझ में आया, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंटरवल, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। देखिए किस पे है, थीसेंस पॉलीगन पे है, थीसेंस पॉलीगन पे है क्वेश्चन, तो यू जस्ट सॉल्व इट और मेरे को बताएंगे। इसके लिए एक डायग्राम आपको दे रखा था, वो डायग्राम मेरे पास बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द डायग्राम। डायग्राम कैसा दिया हुआ था आपको, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है वो आपको ऐसा कुछ दिया होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको कैसा दिया होगा मैं बता देता हूं, ठीक है, ये डायग्राम आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है G1 G2 G3 G4 G5 ऐसा दिया हुआ है ये डायग्राम आपको, ऐसा दिया हुआ है ये डायग्राम आपको, तो आपको बताना है, आपको बताना है कि क्या वैल्यू आ रही होगी थीसेंस पॉलीगन की, ठीक है। द एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट ड्यूरिंग द मंथ बाय यूजिंग थीसेंस पॉलीगन। सर कल का क्लास नहीं किया हूं मैं, आज कर लूंगा, यस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको थीसेंस पॉलीगन, तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा चीजें, ठीक है सुजीत। आपके लिए और भी अच्छी हो जाएंगी चीजें, अभी मैं अभी आपको वैसे भी कराऊंगा ये चीज, कभी भी अभी भी कराऊंगा ही मैं ये चीज, तो आपके लिए और भी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी का आंसर आया क्या, किसी का आंसर आया क्या, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए आई एम गिविंग यू टाइम, बट सब लोगों को अटेम्प्ट करना है जरूर, बिना फेल हुए अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक पेन को पेपर से प्यार नहीं करवाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने ला आपको पेन और पेपर से दोनों से बराबर प्यार होना चाहिए, पेन को लेकर पेपर पर घिसना जरूरी है, पेन को लेकर पेपर पर घिसना जरूरी है। यहाँ पे एक वैल्यू कम लिखी है शायद,
एक वैल्यू कम लिखिए, G5 की वैल्यू नहीं लिखी है, 288 mm है यहाँ पे, G5 की वैल्यू नहीं लिखी है, दैट इज 288 mm, ठीक है। चलिए मैं बताऊं क्या, बोलिए जरा, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया, बेस्ट अटेम्प्ट देना है आपको, आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, मैंने बोला। ठीक है मैं देता हूं आपको अपना, मैं बताता हूं आपको, चलिए आइए मैं बताता हूं आपको। कुछ लोग होप लूज कर देते हैं फटाक से, कुछ लोग फटाक से होप लूज कर देते हैं। मैंने बोला देखो क्या होगा, मैंने बोला था सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना रहता है, लाइन से कनेक्ट करना रहता है, और जब इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हो तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। मैंने बोलता हूँ आपको इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। अब जब आपने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, जब आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया तो नेक्स्ट क्या करने की ज़रूरत है आपको, नेक्स्ट क्या करने की ज़रूरत है, मतलब इनको कनेक्ट कर दो, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। तो आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, इसको इससे कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो सारे पॉइंट्स को। जब आपने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करा तो मैंने बोला देखो, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, ए वन बोल देता हूँ, इस एरिया को ए टू बोल देता हूँ, इस एरिया को ए थ्री बोल देता हूँ, और इस एरिया को ए फोर बोल देता हूँ। मैंने बोला ये चार पॉइंट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बोल दिए मैंने, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर देखना, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये टोटल लेंथ ए होती, अगर ये टोटल लेंथ स्मॉल ए होती तो ये डिस्टेंस ए बाई टू होता, बोलो हाँ, और ये भी डिस्टेंस ए बाई टू होता, क्योंकि बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये भी डिस्टेंस ए बाई टू होता और ये भी डिस्टेंस ए बाई टू होता। इसका मतलब है अगर मैं आपसे एरिया की बात करता हूँ तो एरिया आप देखोगे कि ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू ए फोर के बराबर, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। और मैंने बोला अंदर ही तो ये स्क्वायर दिख ही रहा है, इसको ए फाइव बोल देता हूँ, अंदर तो ये स्क्वायर दिख रहा है जिसको मैं ए फाइव बोल देता हूँ। तो आपने देखा A1, A2, A3, A4 एरिया को देखा, आपने A1, A2, A3, A4 एरिया को देखा, ठीक है। किसी ने आंसर भी किया है, किसी ने आंसर किया है, 243 आंसर किया है, 287 करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था आपको। मैंने बोला अगर आपसे इस A1 एरिया की बात हो रही है, इस A1 एरिया की बात हो रही है, तो मैं बोल देता हूँ देखो जरा यहाँ पे, ये जो A1 एरिया है इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, A1 एरिया या A2 एरिया या A3 एरिया या A4 एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, बेस इज A बाई टू इंटू हाइट इज A बाई टू, हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते थे, हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते थे। और अगर ये लिख सकते थे तो आपने देखा कि इट इज़ हाफ, A की वैल्यू क्या थी, तो आपने बोला ये जो देखो अकैचमेंट इज आइडलाइज्ड एज 25 by 25 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब ऊपर वाली साइज भी 25 होगी और नीचे वाला, मतलब A की वैल्यू 25 है। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख देता हूं इट इज 25 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 by 2। अगर ऐसे बोल पा रहे हो, अगर ऐसे बोल पा रहे हो तो यहां से मैं कोई एरिया बताएंगे A1 A2 A3 A4 कितना एरिया आ जाएगा, ये बताएंगे A1 A2 A3 A4 कितना एरिया आ जाएगा, कितना एरिया आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताएंगे ये कितना एरिया आ रहा है A1 A2 A3 A4। बताओ कितना एरिया आ रहा है, दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 78.12, दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 78.12 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका A1 A2 A3 A4, है ना, A1 A2 A3 A4 आ गया। अब आपसे बात करते हैं A5 के बारे में बात करते हैं, मैंने बोला अब आपसे A5 के बारे में बात करते हैं, तो देखना जरा A5 निकालना है आपको। तो मैंने बोला अगर आपको ये साइड पता है और अगर आपको ये साइड पता है तो क्या आप ये साइड निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो ये साइड निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैंने बोला ये तो मेरे लिए हाइपोटेनियस ही है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो है ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ इट इज़ अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाय फोर
ठीक है, तो मैं देखूंगा ए को बाहर निकाला, ए को बाहर निकाला तो मेरे को ए बाय रूट टू मिल रहा है, बोलो हाँ, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए बाय रूट टू मिल रहा है, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, ए बाय रूट टू मिल रहा है, एच इज इक्वल टू ए बाय रूट टू मिल रहा है, ठीक है, यस और नो बताएंगे, ए इज इक्वल टू एच बाय रूट टू मिल रहा है, ए इज इक्वल टू एच बाय रूट टू मिल रहा है, या हाइपो सॉरी एच इज इक्वल टू ए बाय रूट टू मिल रहा है आपका, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए बाय रूट टू, यस, ठीक है। अगर आपको ये ए बाय रूट टू मिल रहा है, अगर आपको ये ए बाय रूट टू मिल रहा है, तो मैंने बोला ये साइड अगर ए बाय रूट टू है तो सारी साइड ए बाय रूट टू ही होगी, सारी साइड ए बाय रूट टू ही होगी। तो अगर इस स्क्वायर के एरिया की कोई बात करेगा, अगर इस स्क्वायर के एरिया की बात करेगा तो हम दो साइड को बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए फाइव जो हो जाएगा इट इज कमिंग आउट टू बी ए बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ए बाय रूट टू। और अगर ऐसा बोलेंगे ए बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ए बाय रूट टू, तो आप ए की वैल्यू तो आप जानते हो, ए की वैल्यू तो जानते हो कितना है, 25 बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय रूट टू। तो यहां से वैल्यू निकाल लोगे कितना आ रहा है, यहां से वैल्यू निकाल लोगे कि कितना वैल्यू आ रहा है ए फाइव का, ए फाइव का वैल्यू यहां से निकाल लोगे जो कि कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है। नागेंद्र बोल रहा है फिर से रिपीट करिए, आइए बेटा आइए जरा यहां पे बात करते हैं, आइए जरा यहां पे बात करते हैं आपसे, ये लो ये आपका स्क्वायर, आप देखना जरा ध्यान से देखना, उस एरिया को बड़ा कर दे रहा हूं। मैंने बोला ये था आपका स्क्वायर, मैंने बोला ये सबके सेंटर से बात कर रहा हूँ, ये सबके सेंटर से बात कर रहा हूँ, ये सबके सेंटर से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ से ये लाइन बना दी आपने, यहाँ से ये लाइन बना दी, मैंने बोला यहाँ से ये लाइन बना दी, मैंने बोला यहाँ से ये लाइन बना दी। मैंने बोला इस एरिया को बोला आपने ए वन, इस एरिया को बोला आपने ए टू, इस एरिया को बोला आपने ए थ्री, और इस एरिया को बोला आपने ए फोर। मैंने बोला आपको पता है ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू ए फोर के बराबर, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, और इसको बोला आपने ए फाइव, क्यों ऐसा बोला आपने, क्योंकि आपने देखा कि अगर इसकी साइज की बात करता हूं तो दिस साइज इज गिवन एज 25 एंड दिस साइड इज ऑल्सो गिवन एज 25। और अगर ये सबके बाइसेक्टर से बात हो रही है, अगर ये सबके बाइसेक्टर से ही बात हो रही है, तो मैंने बोला ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी ए बाय टू, ए बाय टू है ना, 25 बाय टू। और मैंने बोला ये भी वैल्यू ए बाय टू ही थी, तो ए बाय टू ए बाय टू, यहाँ पर भी ए बाय टू ए बाय टू, यहाँ पर भी ए बाय टू ए बाय टू, तो ऐसे करके सब जगह ए बाय टू ए बाय टू आपको साइज देखने को मिला, ठीक है, सब जगह आपको ए बाय टू साइज देखने को मिला। तो अगर ये सब जगह आपको ए बाय टू साइज देखने को मिला है, तो मैंने बोला इसका एरिया निकाल लिया आपने, ए वन का एरिया निकाल लिया था, इट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ए बाय टू इंटू ए बाय टू करके आपने आंसर निकाल लिया, जो भी आपका आंसर आ रहा था दैट इज 78 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 78.125 जो कि आपने निकाल लिया 78.125। मैंने आपको बोला उसके बाद कि सर, तुमने मेरे से पूछा कि सर और कुछ बताइए सर इसके बारे में, आपने बोला ए फाइव का एरिया निकाल के बताइए, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे ये ए बाय टू साइज है और ये ए बाय टू साइज है, मैंने बोला इसको परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, इसको बेस बोल देता हूँ, तो ये हाइपोटेनियस है क्या, और अगर हाँ तो मैंने बोला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तुमने बोला हाँ, तो मैंने बोला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए बाय टू का होल स्क्वायर, मैंने बोला बेस की वैल्यू कितनी है, तो तुमने बोला ए बाय टू सर, ए बाय टू का होल स्क्वायर। तो यहां से जब एच की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू ए बाय रूट टू, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू हाइपोटेनियस की वैल्यू, ये जो हाइपोटेनियस है मतलब ये जो साइड है इसकी वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू आ गया। तो अगर इसकी ये जो डिस्टेंस है ये ए बाय रूट टू आ गया, और मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है ये ए बाय रूट टू आ गया, ए बाय रूट टू आ गया, तो देखो दोनों साइड आ गई आपके पास, एक स्क्वायर की दो साइड आ गई है, और एक स्क्वायर की दो साइड आ गई है, इसका मतलब आप ए फाइव निकाल लोगे दैट इज ए बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ए बाय रूट टू। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर बाय टू देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने वैल्यू निकाली तो आपसे जो वैल्यू आ रही होगी इट इज कमिंग आउट टू बी 312.50। बोलो आप समझ में आया किलोमीटर स्क्वायर में, बोलो आप समझ में आया सब लोगों को, आप समझ में आया सब लोगों को, ठीक है। हाँ ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, दोनों चीज कर सकते हो, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कर सकते हैं। देखो भाई कोई बोल रहा है टोटल एरिया में से ये चारों एरिया माइनस कर देते, मतलब क्या बोल रहा है, टोटल एरिया 80 बोलता और उसको बोल देता 25 बाय 25 और उसमें से माइनस कर देता ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर का एरिया, तो ये 80 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने बोला आपके पास बस एरिया आ गया है, एरिया आ गया है, यही तो चाहिए था। मैंने बोला अब यहाँ पे जो रखा होगा गेज, रेन गेज G1,
यहाँ पे जो G2 रखा होगा, यहाँ पे जो G3 रखा होगा, और यहाँ पे जो रखा होगा वो G4 रखा होगा, और यहाँ सेंटर में जो रखा होगा वो G5 रखा होगा। मैंने बोला मैं ये देखना चाहता हूँ, कि अब आपको अगर थीसेंस पॉलीगन से, सारी वैल्यूज़ को निकालना है, अगर थीसेंस पॉलीगन से प्रेसिपिटेशन निकालना है, तो P इज इक्वल टू, मैं क्या बोलता था, मैं वेटेड एरिया की बात करता था, डेट इज़ P1 इंटू ए1 प्लस P2 इंटू ए2 प्लस P3 इंटू ए3 प्लस P4 इंटू ए4 प्लस P5 इंटू ए5 होल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस ए4 प्लस ए5। ठीक है, इसको जरा ये टोटल एरिया AT को आप बोल सकते हो डायरेक्ट 25/25, यहाँ से तो टोटल एरिया निकाल लोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला P1 A1 की बात करता हूँ, प्रेसिपिटेशन निकालना है। P1 कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में P1 कितना दिया हुआ है, P1 इज गिवन एज 300, है ना, G1 के नाम से ये दिया हुआ है कि ये कितना प्रेसिपिटेशन को नोट करता है। तो G1 इज गिवन एज 300 mm, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे 300 mm, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 300 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना है 78.125। अब आपको ये समझ में आ रहा है, A1 सेम है, A2 सेम है, A3 सेम है, A4 सेम है, तो मैं इसके एरिया को टोटल को बाहर निकाल लूँ पहले, तो मैंने बोला 78.125 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 बचेगा मेरा, और इधर बचेगा प्लस P5 इंटू A5 होल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। मैंने बोला यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 कर देता हूँ मैं, तो डायरेक्ट यहीं से निकाल के बताओ मेरे को कितना वैल्यू आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 5, ठीक है, ये आ रहा होगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 9 to 18 और 8, 26, ठीक है 26, और ये कितना बढ़ा है 2, 2, 4, 2, 6, 26 का 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11, 1165 आ रहा है क्या, ये टोटल कितना आ रहा है, 1165 आ रहा है, आपने ये चारों को ऐड करो कितना आ रहा है, 1165 आ रहा होगा, ठीक है, तो मैंने बोला इन चारों को ऐड करके देखा हमने, तो मैंने बोला ये हो जाएगा 78.125 मल्टीप्लाइड बाय 1165 प्लस P5, P5 कितना दिया है 288 दिया था, P5 कितना दिया था आपको क्वेश्चन में 288 दिया था, तो दिस इज गिवन एज 288 मल्टीप्लाइड बाय A5, A5 का वैल्यू आपने निकाला था, थ्री हंड्रेड एंड समथिंग आया था, A5 का वैल्यू जो आया था 312.5, बस होल डिवाइडेड बाय 25 into 25, यहाँ से जो आंसर आ रहा होगा इट इज़ द आंसर, P का वैल्यू जो यहाँ से आ रहा होगा वही होगा आंसर। कितना है वैल्यू बताएंगे, कितना आ रहा है यहाँ से आंसर, टू एटी नाइन कैसे आ रहा है यार, 287 आना चाहिए था, यही आ रहा है क्या सबका 289 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है, तो अभी ये समझ में आया, ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये बात समझ में आई सब लोगों को, ठीक है 289.62 बोल रहे हो तो वही आ रहा होगा, इसको सॉल्व करके देखना एक बार, कुछ कहीं मिस्टेक अगर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हूँ, बाकी सब ठीक है, बाकी तरीका यही है, तरीका समझ में आ गया सब लोगों को कैसे निकालना है, पहले मेरे को बताएंगे जरा तरीका समझ में आ गया सब लोगों को कैसे निकालना है, यस और नो, तरीका समझ में आ गया सब लोगों को कैसे निकालना है, यस और नो, तरीका समझ में आ गया सब लोगों को कैसे निकालना है, ठीक है, अगर तरीका समझ में आ गया, G3 की वैल्यू मैंने कुछ और लिख दी थी क्या, G3 की वैल्यू मैंने यहां पे
यहाँ पे कितना था G3, मैंने कितना बोल रखा है, अच्छा 290 लिख रखा है, ये 272 था उस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल गेट का क्वेश्चन था, वहां पे G3 की वैल्यू 272 थी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पे, ठीक है, इसलिए आंसर आया है, इसलिए आंसर ऐसा आया, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है, आपको तरीका आ गया है, सॉल्व करना आ गया है, ठीक है। चलिए आइए जरा यहाँ पे आइसोहेड्रल मेथड्स की बात करता हूँ, आइसोहेड्रल मेथड की बात करता हूँ मैं आपसे, व्हाट एग्जैक्टली आइसोहेड्रल मेथड, एक और मेथड देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए, आइसोहेड्रल मेथड, ठीक है। सबसे पहले आइसोहेड्रल मेथड मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड रहती है अगर आपको प्रेसिपिटेशन निकालना है किसी भी एरिया में, तो मैंने बोला थर्ड मेथड जो आपको मैं बता रहा हूँ इट इज आइसोहाइट मेथड, ठीक है। आइसोहाइट मेथड की बात करो, आपने एरिथमेटिक मीन मेथड देखी थी, आपने थीसेंस पॉलीगन मेथड देखी थी, अब मैं आपको आइसोहाइट मेथड बता रहा हूँ, ये बीच में मेरे से स्किप हो गई थी इसलिए, ये कल मेरे को लगा कल पढ़ा दिया और मैं आज के लिए छोड़ के रखा था इसको, ठीक है। तो मैंने बोला देखना जरा यहाँ पे आइसोहाइट मेथड क्या होती है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर आइसोहाइट्स क्या होते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज आइसोहाइट्स, व्हाट इज आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोहाइट्स, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक किए थे इसलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक किए थे इसलिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक किए थे इसलिए, ठीक है, जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल, वेरी गुड। और कोई है आइसोहाइट्स की जो बात कर रहा है, ठीक है, तो देखो जरा यहां पे क्या बोल रहे हैं, आइसोहाइट्स बोलता है इट इज द लाइन, इट इज द लाइन, लाइन जॉइनिंग, जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ, पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, इक्वल रेनफॉल डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है, इट इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, जहां पर भी आपको इक्वल रेनफॉल डेप्थ को जॉइन करते हुए पॉइंट मिलेंगे उसको आप क्या बोलोगे, आइसोहाइट्स बोलोगे, या कॉन्टूर ऑफ रेनफॉल बोल सकता हूं, कॉन्टूर्स का क्या मतलब होता है, इक्वल डेप्थ की बात करते हैं, इक्वल हाइट, इक्वल एलिवेशन की बात करते हैं, तो यहां पे कॉन्टूर ऑफ रेनफॉल बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। मैंने बोला आइसोहाइट्स जब भी मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने बोला कोई भी रैंडम एरिया के लिए मैं आपको यहां पे आइसोहाइट दिखा रहा हूं, मैंने बोला ये कोई भी रैंडम एरिया के लिए मैंने आपको, आपको एक आइसोहाइट दिखा रहा हूं, मैंने बोला इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया में अगर आपको कैलकुलेट करना है, इस एरिया में आपको कैलकुलेट करना है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होगे, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, मैंने बोला ये आइसोहाइट्स बना देता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे आइसोहाइट्स बना दिए, रेनफॉल के आइसोहाइट्स बना दिए, ये P1 डेप्थ की रेनफॉल के लिए आइसोहाइट्स है, मैंने बोला ये P2 डेप्थ की रेनफॉल के लिए आइसोहाइट है, मैंने बोला इस एरिया को अंदर जो बीच में एरिया है उसको A1 बोल दिया, मैंने बोला ये P3 डेप्थ के, P3 रेनफॉल के लिए आइसोहाइट है, इस इनके बीच का एरिया को A2 बोल दिया, डैश 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 यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, मैंने इसको बोल दिया ये कौन है, ये PN-2 है, PN-2 है, मैंने बोला ये PN-1 है, और मैंने बोला ये PN है, मैंने बोला ये PN है, अगर एरिया की बात करोगे, अगर एरिया की बात करोगे तो मैंने बोला ये एरिया AN-1 है और ये एरिया AN-2 है, ठीक है, ये एरिया AN-2 है, ये एरिया AN-1 है, मैंने बोला देखना जरा यहाँ पे ये P1 P2 P3 PN-1 PN-2 ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सब आइसोहाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मैंने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मैंने बोला ये आइसोहाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये आइसोहाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब इस लाइन पे रेनफॉल डेप्थ जो थी वो पूरी P1 थी, इस लाइन पे रेनफॉल डेप्थ P2 थी, इस लाइन पे रेनफॉल डेप्थ P3 थी, इस लाइन पे रेनफॉल डेप्थ PN-2 थी, इस पे PN-1 थी और इस पे PN थी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मैं बात करता हूँ पी एवरेज की, बात करता हूँ आपसे पी एवरेज की, बात करता हूँ आपसे कि कितना एवरेज रेनफॉल डेप्थ आपको देखने को मिला। तो मैंने बोला देखो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इस टोटल एरिया में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, जो हमारा इन्फ्लुएंस होगा, वो यहाँ से जो वाटर जा रहा होगा उसका हाफ बोलते होंगे, क्योंकि हाफ इधर जा रहा होगा, और यहाँ से जो जा रहा होगा उसका भी हाफ कंसिडर करते हैं। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि इट इज़ P1 + P2 / 2, यहाँ से जो रेनफॉल का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया A1, मल्टीप्लाइड बाय एरिया A1, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो हाफ इसकी वजह से और हाफ इसकी वजह से देखने को मिला। तो P1 + P2 / 2 मल्टीप्लाइड बाय A1 + P2 सॉरी इधर हाँ
अब यहाँ से देख रहे हो A2 पे जो आ रहा होगा इसका हाफ इधर आ रहा होगा और इसका हाफ इधर आ रहा होगा, तो हमने बोला प्लस P2 प्लस P3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A2। सिमिलरली डैश 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 डैश। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये देख रहे हो PN माइनस 2 की बात कर रहे हैं, तो ये आ रहा होगा AN माइनस 2 पे, तो आप बोलोगे इट इज़ PN माइनस 2, या डायरेक्ट इसकी बात कर देता हूँ, एंड की बात कर देता हूँ, तो इसकी वजह से बात कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे PN माइनस 1 प्लस PN डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय AN माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय AN माइनस 1, ठीक है। ये बात समझ में आई सब लोगों को, पॉइंट हैविंग इक्वल रेनफॉल डेप्थ, अच्छा वो बता रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला ये बात समझ में आई सब लोगों को, मैंने क्या बोला कि ये आपने क्या निकाला है, दिस इज द वे, दिस इज द वे आप निकालोगे पी एवरेज। तो आपने निकाल लिया हर एक की वजह से कितना कितना आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा था पी एवरेज निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इज A1 प्लस A2 डैश 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 AN माइनस 1 तक डैश 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 AN माइनस 1 तक। बोलिए ये बात समझ में आई है सब लोगों को, बोलिए जरा ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है क्या सब लोगों को? देखो जरा यहां पे पी एवरेज निकालने को बोलेगा, तो दिस इज द वे हाउ यू फाइंड द पी एवरेज वैल्यू, दिस इज द वे हाउ यू फाइंड द पी एवरेज वैल्यू। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को? अगर ये बात समझ में आई है तो मैं इसको एक और जगह चेंज करने वाला हूं, इसलिए पूछ रहा हूं ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ताकि मैं आपके इसके दूसरे वेरिएशन पे बात कर पाऊं आपसे, ताकि मैं इसके दूसरे वेरिएशन पे आपसे बात कर पाऊं। लास्ट का एरिया अभी कंसिडर नहीं किया है कुछ भी, यहां पे देखो कुछ भी नहीं है, बोलो हाँ ठीक है। अगर ये बात समझ में आई है तो इसको मैं कर रहा हूं थोड़ा सा चेंज, देखना जरा। मैंने बोला ये देखो जरा, यहां पे मैंने बोला इस एरिया का नाम दे देते ए नॉट, अभी तक ये एरिया दिया ही नहीं था इसलिए कुछ भी बात नहीं करी थी हमने, इस एरिया का नाम दे दिया ए नॉट और इस एरिया का नाम दे दिया ए एन। मैंने बोला इस एरिया का नाम दे दिया ए नॉट और इस एरिया का नाम दे दिया ए एन। मैंने बोला यहाँ तो कोई भी आइसो हाइट नहीं बना है, तो यहाँ पे ए नॉट एरिया है और पी वन रेनफॉल हो रही है, तो आप इसको जब भी बताओगे और यहाँ पे ए एन एरिया है और इसके ऊपर पी एन रेनफॉल का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो आप बोलोगे इट इज P1 है ना, P1 मल्टीप्लाइड बाय A नॉट प्लस हियर PN मल्टीप्लाइड बाय AN, ऐसे लिखते हो इसको, ऐसे लिखते हो इसको, ठीक है। अगर ये एरिया नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं थी, जब दिया है तो इसके पूरे इंपैक्ट की बात करना है आपको, P1 into A नॉट प्लस PN into AN प्लस PN into AN। यहाँ पे जो टोटल एरिया हो जाएगा उसको बोलोगे, टोटल एरिया हो जाएगा साथ में ए नॉट प्लस ए एन भी लिखोगे, साथ में ए नॉट प्लस ए एन भी लिखोगे। बोलो आ गई ये बात समझ में? ये जो भी किया है नया ऐड किया है, जो भी किया है नया ऐड किया है, ये देखो जो भी किया है नया ऐड किया है, आ गई ये बात समझ में? बोलो हाँ या ना। सब लोगों को आया है समझ में क्या किया है? ठीक है, अगर इतनी बात समझ पाते हो सब लोग, अगर इतनी बात समझ पाते हो सब लोग तो आओ जरा एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, अगर इतनी बात समझ पाते हो सब लोग तो मेरे को एक क्वेश्चन करके बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ये, क्वेश्चन बोल रहा है ये लो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए आराम से निकाल लेते हैं, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल आराम से निकाल लोगे। लास्ट में P1/2 नहीं होगा, नहीं लास्ट में P1/2 नहीं होगा, यही बताना चाह रहा था, लास्ट में P1/2 नहीं होगा यही बताना चाह रहा था,
लास्ट में पी 1/2 नहीं होगा, यही बताना चाह रहा था। देखो जरा यहां से निकाल पा रहे हो क्या आंसर? बहुत ही आसान है, सब कुछ आता है आपको, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछेगा तो मेरे को लगता है कि हर बार ही हम आंसर निकाल के आ जाएंगे। ये देखो, ये दे दिया आइसो हाइट के इंटरवल की बात और उनके बीच में एरिया, कुछ नहीं करना है, एवरेज निकाल लो इसका। 85 प्लस 75 के बीच का एरिया कितना होगा? 75 और 85 के बीच का एरिया 80 होगा, इसका एरिया 70 होगा, इसका एरिया 60 होगा, इसका एरिया 50 होगा, इसका एरिया 40 होगा। हो गया खत्म गेम, हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 125 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय 2। कैसे निकाला? एवरेज ही तो निकाला है, 85 प्लस 75 बाय 2, 70 मल्टीप्लाइड बाय 236 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 264 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 175 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 150 होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल एरिया से। तो टोटल एरिया इसका निकाल लेना, 125, 236, 264, 175, 150। टोटल एरिया जो भी आ रहा है, टोटल एरिया कितना आ रहा है, टोटल एरिया जो भी वैल्यू दे रहा है उससे निकाल लेंगे। आई डोंट नो क्या आंसर है, कोई और भी निकालो। दो एक लोग, दो आंसर आ रहे, तीनों आंसर अलग अलग आए हैं। कोई 950 बोल रहा है, कोई 64 पॉइंट समथिंग बोल रहा है। मैं निकाल के बता देता हूँ कितना आ रहा है। मेरे को देखना पड़ेगा आंसर, गेट का क्वेश्चन है। 60 अब आया है सब कुछ, जो दो तीन लोगों का ये कहाँ है, एक सेकंड दीजिए। अच्छा 950 टोटल एरिया बता रहे थे, सॉरी। सिक्सटी पॉइंट वन वन आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर है 60.11। 64 कैसे आ रहा है मेरे को ये नहीं समझ में आया। 60.11 इज द राइट आंसर। अनिम क्या कर रहे हो? 60.11 इज द राइट आंसर। टोटल एरिया कोई बोल रहा था 9, कितना 950 टोटल एरिया 950 आ रहा था, तो आंसर आएगा 60.11। एवरेज रेनफॉल डेप्थ, पी एवरेज की बात करी, इट इज कमिंग आउट टू बी 60.11। मेरे को नहीं पता बेटा तुम्हारा कैसे गलत हो गया है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा। चलो आओ एक और चीज़ की बात करते हैं। मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बेसिक देखे जाते हैं, जरा देखना जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे क्या बिना किसी मेहनत के। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे क्या सब लोग, कितना आंसर आ रहा है इसका? वन पॉइंट एट फाइव आ रहा है, दिग्विजय का आंसर आ गया है 1.85। और किसी का आंसर आ रहा है क्या? 2.2। मैं चाहता था ऐसा ही कुछ आंसर भी आए, 2.2 भी आंसर आए, वन पॉइंट एट फाइव करेक्ट आंसर है, पर मैं चाहता था 2.2 भी आए। बहुत बढ़िया, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि आप बिना उसके भी सॉल्व कर सकते थे इसको। तो देखना जरा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ
मैंने बोला द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम इंटरवल, देखना जरा मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम इंटरवल फॉर अ टिपिकल स्टॉर्म इज गिवन, ठीक है, तो टाइम इंटरवल 10-10 मिनट का गैप दे दिया है, 10 मिनट का टाइम इंटरवल है ये, 10 मिनट का टाइम इंटरवल है, हर किसी के बीच में 10 मिनट का टाइम इंटरवल है। मैंने बोला उस टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दे दिया mm per minute, ठीक है, कितना mm बारिश हो रहा है per minute में, ठीक है, पर मिनट दे दिया उन्होंने। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर 20 मिनट ड्यूरेशन स्टॉर्म इज, ठीक है, तो 20 मिनट ड्यूरेशन की जो बात कर रहा है, ये कॉन्जिकेटिव मैक्सिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, मैंने बोला ये कॉन्जिकेटिव मैक्सिमम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ये देखो जरा यहाँ पे, ये डायरेक्ट 2.2 बोल दिया है। मैंने बोला ये मैक्सिमम 20 मिनट ड्यूरेशन, तो 10 मिनट का ये ड्यूरेशन और 10 मिनट का ये ड्यूरेशन, तो आपने बोला इट इज 2.2 प्लस 1.5, ऐसे बोल दिया होगा और डिवाइड बाय 2 कर दिया होगा, ऐसे किया क्या, ऐसे किया कुछ लोगों ने, पर ऐसा नहीं होगा। अब देखो जरा यहाँ पे इसने क्या बोला था, ये mm पर मिनट में है वैल्यू, ये mm पर मिनट में है, और आपको रेनफॉल इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना था, तो आपने बोला अगर 10 मिनट की बात करोगे इस 2.2 की, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2.2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.2 ये वैल्यू हो जाएगी 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका 22 mm बारिश हो रही होगी इसमें, इस 10 मिनट में। नेक्स्ट 10 मिनट में बात करता हूँ तो कितनी बारिश हो रही होगी, ये है फर्स्ट 10 मिनट की वैल्यू, सेकंड की बात करता हूँ तो इट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 15 mm बारिश हो रही होगी सेकंड 10 मिनट में। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो टोटल बारिश डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटेंसिटी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 15 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 20 मिनट्स, ठीक है 20 मिनट्स। तो अगर देखोगे यहाँ से तो ये जो वैल्यू आ रही होगी इट इज 37 बाय 20, दैट इज गिवन एज 1.85 mm per minute। देखो जरा ऐसे ही आएगा, आपने ऐसे ही निकाला, सब लोगों ने ऐसे ही किया था क्या, कुछ लोगों ने इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख रखा होगा, कि देखो जरा यहाँ पे उन्होंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया होगा, सर ये देखो सर ये प्रेसिपिटेशन है, ये टाइम इंटरवल है, तो मैंने लिख देता हूँ सर P1 × T1 + P2 × T2 ( T1 + T2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम बात लिखी है मैंने यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आती है सब लोगों को, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, ये बात समझ में आ गई है क्या, ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलो और बात करते हैं, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अब हमने जो बात कर रहे थे, हम लोग पीक डिस्चार्ज की जो बात कर रहे थे, मैंने बोला अब जब हम पीक डिस्चार्ज की बात कर रहे थे उसी के बारे में आगे और बात करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई बेहतरीन तरीके से, ठीक है, मैंने बोला और बात करते हैं आगे। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने रैशनल मेथड देख लिया, हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड देख लिया, ठीक है, थर्ड मेथड होती है हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट फोर्थ मेथड की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड, तो ठीक है आपका जो फोर्थ मेथड होने वाला है, मेथड नंबर फोर होने वाला है, इट इज प्रोबेबिलिटी मेथड की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मेथड निकालने के लिए। तो इस प्रोबेबिलिटी मेथड में सबसे पहली वैल्यू है जो वो है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड से उनका क्या बोलने का मतलब है,
वो बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड क्या बताती है आपको, कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल है, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सैंपल अवेलेबल है या डेटा अवेलेबल है, और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है, और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वैल्यू निकाल रहे हो एंड फाइंड वैल्यू एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये बोलता है आपसे वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात, वो बोलता है आपसे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात। सेकंड बोलता है वो आपसे, अगर इसी की जगह आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, इसी की जगह आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड की बात करते हो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड की बात करते हो, तो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड बोलती है कि स्मॉल सैंपल है और छोटा सैंपल है, और आप कर रहे हो एक्सट्रापोलेशन कर रहे हो, जैसे आप इंटरपोलेशन करते हो वैसे आप एक्सट्रापोलेशन कर रहे हो किसी भी एक पॉइंट पे, एक्सट्रापोलेशन टू फाइंड वैल्यू एट सम पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे निकालने के लिए एक्सट्रापोलेशन कर रहे हो टू फाइंड वैल्यू एट सम पॉइंट। तो आपने देखा स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, अगर आपने यहां तक देखा पीक डिस्चार्ज की बात कर रहे थे, हाँ, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, अब मैं आपसे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड की बात करने वाला हूं, कि कैसे आप रिटर्न पीरियड फाइंड करेंगे, कैसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किसी भी पीक डिस्चार्ज के आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो वो आप कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो मैंने बोला हम जो बात करने वाले हैं वो किसके हिसाब से बात करने वाले हैं, मतलब हम जो बात करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के हिसाब से देखने वाले हैं। मैंने बोला हम जो बात करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के हिसाब से देखने वाले हैं, मैंने बोला ठीक है, अगर आपसे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड की बात कर रहा है, इसका मतलब आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज वैल्यू बहुत सारी अवेलेबल होगी, आपके पास डेटा अवेलेबल होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पर डेटा की बात करता हूँ, अगर तो मेरे पास एक सैंपल वैल्यू रखा है 15, 80, 60, 45, 90, 30। ठीक है, तो मैंने बोला 15, 80, 60, 45, 90, 30। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने बोला ये हमारे पास डिज़ाइन डिस्चार्ज वैल्यू है, मैं आपसे इससे मैं आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ कि किसी का भी पीक आने का वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पीक डिस्चार्ज आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके पहले आपको रिटर्न पीरियड पता होना चाहिए, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैंने बोला रिटर्न पीरियड बोलता हूँ, या इसी को रिकरेंस इंटरवल भी बोलता हूँ, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको बोलता हूँ इट इज़ इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स अवेलेबल है डिवाइडेड बाय रैंक। मैंने बोला ये यहाँ से नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय रैंक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला ये है आपका टाइम पीरियड, अगर रिटर्न पीरियड। मैंने बोला अगर कोई भी आपसे प्रोबेबिलिटी की बात करता है तो वो इन्वर्स होता है 1/ रिटर्न पीरियड के। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी इज इन्वर्स ऑफ 1/ रिटर्न पीरियड। ठीक है, तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर इसको 1/ रिटर्न पीरियड बोल सकते हो तो इसको ऐसा बोल सकते हो रैंक अपॉन में नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल। ठीक है, मैंने बोला ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न पीरियड कैसे निकालोगे आप, या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। तो स्टेप वन बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड के हिसाब से, वो बोलता है आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। क्या बोलता है? आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ध्यान से सुनते रहना सब। मैंने बोला ध्यान से देखना, क्यू की वैल्यू क्या दी है? ये क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको। मैंने बोला अब वो बोलते हैं स्टेप वन में बोलते हैं वो, ध्यान से सुनते जाना, स्टेप वन में बोलते हैं कि अरेंज इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने बोला आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैंने जब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो जो मेरी वैल्यूज थी ये हुई,
90, 80, 60, 90, 80, 60, 45, 30, 15. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो मैंने बोला इनको रैंक दे दो, तो इनको रैंक दे देते. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये रैंक दे दिया आपने इसको. अगर आपने इसको रैंक दे दिए, अगर आपने रैंक दे दिया और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो रिटर्न पीरियड निकालना बहुत आसान. तो मैंने बोला रिटर्न पीरियड क्या बोलता है, रिटर्न पीरियड क्या बोलता है. तो रिटर्न पीरियड ही तो बोलता था सर कि आप क्या करो, नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय रैंक कर दो. तो यहाँ कितने डेटा हैं आपके पास अवेलेबल, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डेटा अवेलेबल हैं. तो रिटर्न पीरियड बोलता है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय रैंक एन बाय एम. तो यहाँ पे 6 डेटा हैं तो ये हो जाएगा 6/1. तो इसके रिटर्न पीरियड की कोई बात करेगा तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6/1 के बराबर. मतलब यहाँ कोई बात करेगा तो इट इज़ इक्वल टू 6/2, तो ये 3 देखने को मिलेगा. मतलब इट इज़ 6/3, दैट इज़ इक्वल टू 2 देखने को मिलेगा. मतलब इट इज़ 6/4, जो भी वैल्यू आए यहाँ पे 6/5 और यहाँ पे 6/6 वैल्यू. ठीक है, ये देखने को मिला आपने, रिटर्न पीरियड देखने को मिला. यहाँ से 1.5 आएगा और यहाँ से 1.2 आएगा. 1.2, दिस इज इट्स रिटर्न पीरियड, दिस इज इट्स रिटर्न पीरियड. मतलब अगर रिटर्न पीरियड की बात करोगे, मैंने बोला रिटर्न पीरियड के अगर बात करोगे तो रिटर्न पीरियड के बाद प्रोबेबिलिटी की बात आएगी. और मैंने बोला अगर वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो वो बोल रहा है कि रिटर्न पीरियड का जस्ट इन्वर्स होता है प्रोबेबिलिटी. वो बोल रहा है रिटर्न पीरियड का जस्ट इन्वर्स होता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, रिटर्न पीरियड का जस्ट इन्वर्स होता है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी जिसका रिटर्न पीरियड आने की चांस सबसे ज्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी सबसे कम है 1/6. मैंने बोला इसकी वैल्यू 1/3, मैंने बोला इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/1.5, इसकी वैल्यू 1/1.2 एंड इसकी वैल्यू 1. तो आपने देखा और आपको क्या समझ में आया वो मैं बताता हूँ आपको. कंक्लूजन ये बोलता है, पहले अब समझो जरा. यहाँ पे कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि सर रिटर्न पीरियड क्या होता है ये बताइए. कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि सर रिटर्न पीरियड क्या होता है ये बताइए. ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे रिटर्न पीरियड का मतलब है अगर हमने कोई भी एक पीक डिस्चार्ज वैल्यू, मैंने आपको बताई थी पहले, मैंने आपको कुछ पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू बताई थी आपको. तो अब हम देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोला मैंने, पीक डिस्चार्ज वैल्यू मैंने बताई पहले की पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू थी 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ध्यान से सुनना मेरी बात को, रिटर्न पीरियड बता रहा हूं मैं आपको. मैंने बोला रिटर्न पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, रिटर्न पीरियड की बात चल रही है. तो मैंने बोला अगर मैंने रिटर्न पीरियड पहले आपको बोला था कि आपका जो रिटर्न पीरियड सॉरी आपका जो पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू थी, क्यूपी वैल्यू थी, इट इज गिवन एज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड. डिस्चार्ज बोला था, पीक फ्लड डिस्चार्ज बोला था, दिस वैल्यू इज गिवन एज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, अगर मैंने आपको ये वैल्यू 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोली थी, अब मैं बोल रहा हूं कि रिटर्न पीरियड इस डिस्चार्ज का रिटर्न पीरियड 10 ईयर्स है. इसका मतलब 10 साल में, ध्यान से सुनना, इसका मतलब 10 साल में कोई भी साल हो सकता है. ऐसा नहीं 10वां साल, मैंने बोला कोई भी साल हो सकता है जिसमें हमारे डिस्चार्ज की वैल्यू, पीक डिस्चार्ज की वैल्यू 30 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर होगा या 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा होगी. समझ में आया? तो अगर मैंने बोला कि इसका रिटर्न पीरियड 10 ईयर्स है, तो मैंने बोला कि इसके जो हमारा पीक वैल्यू आने वाला है उसकी वैल्यू 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा होगी या 30 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर होगी 10 साल के अंदर. या तो वो पहले ही साल आ सकता है, जैसे इस साल आपकी जो वैल्यू आई है पीक डिस्चार्ज वैल्यू इज 30 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो अब अगर मैंने बोला रिटर्न पीरियड इज 10 ईयर्स, तो आप बोल रहे हो या तो ऐसा हो सकता है अगले साल ही वापस वैल्यू 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा या उसके बराबर आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 10वें साल आए या 5वें साल आए या 7वें 8वें 9वें 10वें, किसी भी साल आए लेकिन उसका रिटर्न पीरियड वैल्यू जो बोला है वो 10 साल में एक बार आने को बोला है.
इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं मैं कि अगर 100 इयर्स की बात हो रही होगी तो लॉन्ग स्पान में अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा लॉन्ग स्पान में हम ये बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के आने की वैल्यू 100 साल में 10 बार है। अब वो 100 साल में 10 बार हो सकता है पहले ही साल में 10 बार आ जाए, हो सकता है 99 इयर्स तक आए ही नहीं और 99 इयर्स के बाद 10 बार आ जाए। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? रिटर्न पीरियड की बात समझ में आती है? बताइए जरा। ठीक है, ठीक है, ये होता है रिटर्न पीरियड, कितने साल बाद आपका पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू आने वाला है। तो अगर मैंने लिखा कि अगर इसका रिटर्न पीरियड 3 इयर्स है फॉर दिस पर्टिकुलर पीक डिस्चार्ज, अगर इसका रिटर्न पीरियड 3 इयर्स है तो आप बोलोगे ये 3 साल में एक बार कभी भी आ सकता है। तो 3 साल में हो सकता है पहले ही साल आ जाए, हो सकता है तीसरे साल आए, हो सकता है तीसरे साल आई। दिस इज व्हाट रिटर्न पीरियड। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करोगे तो इट इज टाइम पीरियड इन एन एवरेज, ठीक है, अगर इसकी बात करोगे तो टाइम पीरियड इन एन एवरेज आफ्टर विच द फ्लड डिस्चार्ज एक्सीड द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड और इक्वल्ड, ठीक है, ठीक है। अगर रिटर्न पीरियड समझ में आता है तो इसी को बोलते हो आप रिकरेंस इंटरवल, इसी को बोलते हो आप रिकरेंस इंटरवल, इसी को बोलते हो आप रिकरेंस इंटरवल। मैंने बोला चलो देखो जरा यहां पे एक और चीज बता रहा हूं, मैंने बोला देखो जरा यहां पे, देखो जरा यहां पे एक चीज बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं पीक डिस्चार्ज और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूं, मैंने बोला ध्यान से देखना मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैंने बोला मैं एक पीक डिस्चार्ज और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना, क्या बनाना चाहता हूं मैं आपसे, मैंने बोला यहां से आपसे पीक फ्लड डिस्चार्ज क्यूपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में, और प्रोबेबिलिटी के बीच में, और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, क्यूपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, ठीक है। ये ग्राफ कैसे दिख रहा होगा आपको, ये ग्राफ कैसा दिख रहा होगा आपको, मैंने बोला देखना जरा अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन पीक डिस्चार्ज एंड प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। मैंने बोला ये मैक्सिमम वैल्यू को मान लेते हैं हम 30 मीटर क्यूब पर सेकंड ही मान ले, 30 मीटर क्यूब पर सेकंड मान लेते हैं। तो मैंने बोला दिस इज योर पीक डिस्चार्ज वैल्यू। इस पीक डिस्चार्ज के आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, और सिमिलरली अगर इस 30 की जगह इस किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू की बात करता हूं, इस किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू की बात करता हूं जहां पे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच। तो मैंने बोला अगर कभी भी आपसे, इसका मतलब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे यह बोला कि अगर कभी भी आपसे प्रोबेबिलिटी की बात करी जाएगी और डिस्चार्ज की बात करी जाएगी तो जितना ज्यादा पीक डिस्चार्ज वैल्यू होगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। और मैंने बोला जितना छोटा डिस्चार्ज होगा, जितना छोटा डिस्चार्ज होगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ते जाएगी। अगर ये बात समझ में आती है तो ये बात समझ में आ जाएगी। देखो जरा यहां पे, ये देखो जरा यहां पे, देखो जरा यहां पे, मैंने बोला यहां पे डिस्चार्ज लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने बोला ये देखो था 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। और सिमिलरली डिस्चार्ज देखा था 90 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 times है, 1/6 times है, समझ में आया। इसके रिटर्न पीरियड की बात करी तो 6, मतलब इसके रिटर्न पीरियड की ज्यादा वैल्यू है, मतलब इसके आने का टाइम पीरियड बहुत कम है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई सब लोगों को, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब एक और बात करते हैं, अब एक और बात करते हैं। मैंने लगा ये तो सब लोग जानते होंगे, मैंने लगा ये तो सब लोग जानते होंगे, यहाँ तक आ गया है ना, सब कुछ समझ में आ गया है ना यहाँ तक। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको तीन क्लास में, चार क्लास में हाइड्रोलॉजी में तो हीरो बना दूंगा, इस बात की श्योरिटी है। मेरे को ऐसा लगता था चार ही क्लास का होता होगा हाइड्रोलॉजी, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो जितना बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन बन जाएगा, और आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बन जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा गेम, क्वेश्चन का गेम है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए और मेरे को लगता है कि बन भी जाएगा आपसे। गेट एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए और मेरे को लगता है कि आपसे बन भी जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, मेरे को एक बार बताएंगे यार, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को बताएंगे एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने से मेरे को ऐसा लगता है कि समझ रहे हो ना, मतलब फीलिंग फीलिंग वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग अभी एग्जाम्स में बिजी होंगे, बट कि मेरे को, अच्छा एक बात बता दो, मेरे को इतना सा बता दो बस, कि शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस दैट यू विल श्योरली शेयर दिस वीडियोस और समथिंग, वीडियोस और लिंक्स, और सजेस्ट योर जूनियर्स टू जस्ट हैव अ लुक एट इट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली विल सजेस्ट योर फ्रेंड्स कि हाँ जाके एक बार देख सकते हो बोला ये वीडियोज़ को। तो इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं तुम लोगों से, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना तुम लोगों से, बताओ जरा, बताएंगे जरा, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना मैं, गुरु दक्षिणा मान लो इसको, गुरु दक्षिणा। पक्का? ठीक है ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट, दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग जब तक साथ हो तब तक सब सही है और क्या। ठीक है ठीक है, पक्का पक्का, ठीक है, चलो आओ जरा एक और बात करते हैं। तो फिर इसी बात पे तुमको एक नया कंसेप्ट फ्री में देता हूँ, ठीक है, एक और नया कंसेप्ट तुमको सिखाता हूँ। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे नया कंसेप्ट, एक और नया कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, किसी भी बाइनोमियल इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बाइनोमियल इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बाइनोमियल इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बाइनोमियल इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रेनफॉल के ही बारे में बात करते करते मैं इस बाइनोमियल इवेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बोल रहा हूँ आर टाइम्स है, आर टाइम्स है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आर टाइम्स है, आउट ऑफ एन अटेम्प्ट्स, आउट ऑफ एन अटेम्प्ट्स, उस आउट ऑफ एन अटेम्प्ट्स अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आर है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो ऐसे रिप्रेजेंट करते होगे, मैंने बोला आप उसको रिप्रेजेंट करते होगे एन सी आर पी टू द पावर आर, पी टू द पावर आर मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, पी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस आर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग है, तो हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर, किसी भी आर की द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर टाइम्स आउट ऑफ एन अटेम्प्ट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनसीआर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनसीआर पी टू द पावर आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आर। गेट 2020 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, गेट 2020 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको हम लोग देखेंगे एक बार, जरूर ध्यान से देखेंगे। तो ये बात समझ में आती है, ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है, ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है, तो इसी को अब मैं आपको रिलेट करवाने जा रहा हूँ, इसी को मैं आपको रिलेट करवाने जा रहा हूँ डैम से या पीक डिस्चार्ज वैल्यू से। मैंने बोला इसी को अब मैं आपको रिलेट करवाने जा रहा हूँ, पीक डिस्चार्ज वैल्यू से मैं अब इसको रिलेट करवाऊंगा, देखना जरा यहाँ पे पीक डिस्चार्ज वैल्यू के साथ इसको रिलेट करवाऊंगा। प्रोबेबिलिटी की बात करिए एनसीआर पी टू द पावर आर माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आर। कुछ लोग इसको ऐसे भी दिख रहे होंगे कि हम 1 माइनस पी को किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को क्यू लिख देते, तो एनसीआर पी टू द पावर आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ठीक है, ऐसा भी लिखूंगा कहीं कहीं पे इसको,
ऐसा भी लिखूंगा मैं कहीं कहीं इस पर। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे इसको पीक डिस्चार्ज वैल्यू के साथ रिलेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा डैम स्ट्रक्चर कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आपके ऊपर मैं कितना रिलायबल रह सकता हूँ। तो मैंने बोला रिलायबिलिटी बोलती है, रिलायबिलिटी बोलती है, रिलायबिलिटी आपके मेरे बीच के रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपके मेरे बीच की रिलायबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, आपके मेरे बीच के रिलायबिलिटी की बात करूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जितनी भी बातें आपसे बोली आपने सारी सीख कर गेट एग्जाम में अप्लाई कर दी, ये रिलायबिलिटी 100% ऐसी की ऐसी सीख कर वहां अप्लाई कर दी। सिमिलरली अगर यहां पर रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूं, यहां रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो यहां रिलायबिलिटी की बात यह बोल रही है, रिलायबिलिटी की बात यह बोल रही है कि अगर कुछ भी पीक डिस्चार्ज वैल्यू दिया था, जैसे हम लोग हमेशा 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड कंसिडर कर रहे थे, तो अगर कुछ भी पीक डिस्चार्ज वैल्यू दिया था तो इट शुड नॉट एक्सीड और इक्वल्ड नॉट इवन वंस एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि ये कभी इस जो आने वाला डिस्चार्ज है वो कभी भी इस क्यूपी वैल्यू तक पहुंचेगा या इससे ज्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हो रिलायबिलिटी। समझ में आया रिलायबिलिटी? हाँ, तो मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस, ठीक है। तो मैंने बोला यहां पे देखो 30 मीटर क्यूब शुड नॉट एक्सीड और इक्वल नॉट इवन वंस, ठीक है, इसको बोला हमने रिलायबिलिटी बोला, ठीक है। रिलायबिलिटी रिलेशनशिप वाला ही तुम्हारा रिलायबिलिटी चल रहा है यहां पे कि आपको धोखा मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो अगर 100% रिलायबिलिटी है, अगर 100% रिलायबिलिटी है, इसका मतलब है कि आपको धोखा या तो कभी मिलेगा, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और एक्सीड मतलब कभी नहीं हो सकता है, या ऐसा होने नहीं देंगे। तो मैंने बोला आपको, अगर मैंने बोला पीक डिस्चार्ज 30 मीटर क्यूब पर सेकंड आने की बात करी, तो या तो ये कभी भी आपका जो दूसरा डिस्चार्ज है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा और इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बराबर नहीं होगा तो ध्यान से देखना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि आर इवेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, क्या बताओ जरा, आर इवेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट आउट ऑफ एन अटेम्प्ट्स। तो आर की वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एन सी आर बोलते थे, तो एन सी जीरो, पी टू द पावर जीरो, क्यू टू द पावर एन, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना, हाँ। तो अगर ऐसा लिखते हो तो ये सारी वैल्यू हो गई वन के बराबर, तो आपने देखा ये जो वैल्यू हो जाएगी इट इज क्यू टू द पावर एन के बराबर। तो अगर कोई भी आपसे रिलायबिलिटी का फॉर्मूला पूछेगा तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू q टू द पावर n के बराबर, या तो q टू द पावर n या 1 माइनस p टू द पावर n के बराबर, 1 माइनस p टू द पावर n के बराबर। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं, बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं। रिलायबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई सब लोगों को? बोलो रिलायबिलिटी बात समझ में आई सब लोगों को? दैट इज योर पीक डिस्चार्ज वैल्यू विल नेवर एक्सीड और विल नेवर इक्वल टू द पर्टिकुलर वैल्यू, विल नेवर एक्सीड और इक्वल टू द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, एक्सीड और इक्वल टू द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। मैंने बोला नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे, मैंने बोला नेक्स्ट बात है हमारी रिस्क की बात। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। तो रिस्क की बात कर रहे हैं। सब लोगों को डायलॉग याद होगा, रिस्क है तो, ठीक है। तो चलो आओ जरा यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1992, ठीक है। तो रिस्क की बात कर रहा हूँ। तो रिस्क क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पीक डिस्चार्ज वैल्यू
पर्टिकुलर पीक डिस्चार्ज वैल्यू रीच अप टू दैट एक्सटेंट, जैसे कि कौन से एक्सटेंट, क्यू की बात कर रहा था, ठीक है तो मैंने बोला देखना जरा यहां पे क्या बोल रहा था मैं आपसे, मैंने बोला था ये क्यू की वैल्यू अगर मैंने बोली 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू की वैल्यू अगर मैंने आपको बोली 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो अगर मैं आपसे रिस्क की बात कर रहा था तो ये बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ ईयर्स की अगर आपसे बात करी जा रही है, मैंने बोला एन नंबर ऑफ ईयर्स की अगर आपसे बात करी जा रही है तो आप बोलोगे इस एन नंबर ऑफ ईयर्स में एटलीस्ट वंस तो ऐसा होगा कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू will get exceed or equaled. ये कोई भी आर्बिट्री वैल्यू लेके सॉल्व करा रहा हूं, एक्स मान सकते हो इसको. तो मैंने बोला रिस्क क्या बोलता है, इन एन ईयर्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल गेट एक्सीड एटलीस्ट एक्सीड और इक्वल्ड एटलीस्ट वंस. ठीक है, एन नंबर ऑफ ईयर्स में, एन नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूं, अगर रिस्क की बात कर रहा हूं तो बोल रहे हैं कि रिस्क बोलता है कि एन नंबर ऑफ ईयर्स में एटलीस्ट एक ना एक बार तो ऐसा होगा कि हमारा पीक डिस्चार्ज वैल्यू, पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उसको एक्सीड कर जाएगा, ठीक है. कब तक है ये क्लास? ठीक है, ये क्लास आधा घंटा और है, मतलब वैसे 6 बजे तक है, लेकिन टॉपिक पे डिपेंडेंट है बात. अगर रिस्क की बात कर रहे थे तो मैंने बोला एटलीस्ट वंस बोला तो मैंने बोला देखो, अगर एटलीस्ट वंस बोला तो मैं इसको बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस इज इक्वल टू होता है 100% प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर हैपनिंग. ऐसा बोल सकता हूं अगर ये निकालने की बात चल रही है तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर हैपनिंग अगर ऐसा बोल रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस को ही तो रिस्क बोलते हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर हैपनिंग. किसको बोलते हो? इसको बोलते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर हैपनिंग. इसको उतार लो यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p to the power n, ये हो जाएगा 1 माइनस p to the power n, या इसको लिख सकते हो 1 माइनस q to the power n. तो रिस्क समझ गए आप, रिस्क होता है 1 माइनस p to the power n, और रिस्क या तो 1 माइनस q to the power n, और अगर आप बात कर रहे हो रिलायबिलिटी, दैट इज 1 माइनस p to the power n या q to the power n. ठीक है, तो रिलायबिलिटी बोलता है देयर इज नो चांस बाय एनी पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू दैट विल एक्सीड टू द पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट इवन सिंगल टाइम आफ्टर एन ईयर्स ऑल्सो. बट अगर रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क, इन रिस्क देयर इज अ चांस दैट आर पीक फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू विल इक्वल्ड और एक्सीड एटलीस्ट वंस इन एन ईयर, ठीक है. ठीक है, यही बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वंस इन एन ईयर. तो ये बात समझ में आ गई, रिलायबिलिटी और रिस्क में अगर आपको बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन करके बताएंगे. तो मेरे लिए एक क्वेश्चन करके बताएंगे, और इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया देने वाला हूं. कि कैसे आप बाकी लोगों से बेहतर बन सकते हैं. इस क्वेश्चन से मैं आपको ये आइडिया दूंगा कि कैसे आप बाकी लोगों से बेहतर बन सकते हैं. तो देखो जरा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. मिंत्रा वाले मैसेज भेज रहे हैं, बताओ. ठीक है, ये देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है. What return period would be adopted in the design of a bridge if you are allowed
टू हैव ओनली 5% रिस्क, टू हैव ओनली 5% रिस्क इन 25 ईयर्स, 5% रिस्क इन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ब्रिज। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, सॉल्व करके बताएंगे इसको क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। 1/25 आंसर नहीं है, गलत है आशीष। कोई और? वन बाय 75 आया किसी का आंसर। टाइम पीरियड में चाहिए। चलो आओ मैं बताता हूँ। तो देखना जरा यहाँ पे, ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रहा हूँ। मैंने बोला देखना जरा यहाँ पे, वॉट रिटर्न पीरियड वुड बी अडॉप्टेड इन द डिजाइन ऑफ ब्रिज इफ यू आर अलाउड टू हैव ओनली 5% रिस्क। हम लोगों को ब्रिज बनाना होगा, किसी रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना होगा, तो ये ब्रिज इसी उससे बनाया गया है कि यहाँ पर रिवर का डिस्चार्ज जो है वो बढ़ेगा तो रिस्क कितनी होगी, केवल 5% उसके फेल होने की रिस्क होगी 25 साल में। ठीक है, 25 साल में। तो देखना जरा यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो क्या, रिस्क इज इक्वल टू क्या होता है। तो रिस्क आपने बोला था इट इज़ 1 - Q^n के बराबर, बोलो हाँ या ना, 1 - Q^n के बराबर। और रिस्क कितना दिया, 5%, इसका मतलब 0.05 इज इक्वल टू 1 - Q^n, मतलब मैं बोल देता हूँ इट इज़ 1 - P^n, बोले तो 25 ईयर्स की बात हो रही है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 0.05 इज इक्वल टू 1 - 1/Time^(Whole^25). ये रहा, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो कितना आ रहा है, बस खत्म हो जाएगा गेम। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड देखोगे तो जो वैल्यू आ रही होगी आपके पास वो आ रही होगी 487.89। रिटर्न पीरियड जो आ रहा होगा इट इज 487.89 ईयर्स में। ठीक है, पांच परसेंट रिस्क पे भी बनाओगे 487.89 आएगा। समझ में आई ये बात, बोलो हाँ या ना। यहां से जो रिटर्न पीरियड आएगा, टी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 487.89। ठीक है, दिक्कत हुई सॉल्व करने में इक्वेशन, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ,
यस, मेरे को सुनना है सबसे कि हाँ दिक्कत हुई है, तभी तो सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है। एन का वैल्यू 25 लिया है, एन का वैल्यू 25 साल के लिए बात हो रही है, तभी तो एन का वैल्यू 25 लिया है, एन का वैल्यू 25 तभी लिया है। तो आ जाओ जरा भाई, दो चार लोग बोल रहे हैं, दो चार लोग को तो मैं पर्सनल बता दूंगा, तुम लोग मेरे को मैसेज डाल देना, मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व कर लेंगे। 27 लोग हैं, तीन लोग बता रहे हैं कि इनको दिक्कत हुई है, तो इन लोग को तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आओ देखो जरा, देखो जरा, बाइनोमियल मेथड जानते हो? बाइनोमियल मेथड जानते हो? बाइनोमियल मेथड जानते हो? अगर किसी दिन कैलकुलेटर भूल जाओ या किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहां पे समय की कमी हो, समय की कमी हो और लास्ट क्वेश्चन बचाओ, समय की कमी हो और लास्ट क्वेश्चन बचा हो, डेटा टाइप क्वेश्चन ना हो, डेटा टाइप क्वेश्चन ना हो, और ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हो तो उनमें थोड़ी सी दूरी हो कि आप जज कर पाओ कि यही आंसर होना चाहिए, बहुत पास पास आंसर ना हो, तो क्या करना? अगर आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जब देखते थे तो ये हो जाता था 1 प्लस एन एक्स के बराबर, अगर इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से देखते थे तो। तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 1 माइनस 1 माइनस p to the power 25, तो इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको रिस्क से 1 माइनस 1 माइनस p to the power 25, खेल देंगे इसके साथ, तो इसको कर देना 1 माइनस 25 p, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से उतारा हूँ इसको। अगर ऐसा कर दोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 25 बाय टाइम पीरियड, ठीक है, यहां से देखोगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 25 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.05, तो ये दोनों एक से कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो बचा है एक्सप्रेशन, इट इज 25 बाय t इज इक्वल टू 0.05, यहाँ ले लो t इज इक्वल टू 25 बाय 0.05, इसको बुला लो यहाँ पे, 100 लिख दो इसको, 5525, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 500 ईयर्स आया है। देखो ऊपर से क्वेश्चन से आंसर क्या आया था, आंसर क्या आया था, 487.89, अप्रोक्सीमेशन किया था, 487.89 आया था, इससे आंसर कितना आया, 500, इसलिए बोला था बस आंसर ए बी सी डी में थोड़ी सी गैप रहने से खेल लेंगे हम, बस थोड़ा सा कोई टाइम दे दे, बस थोड़ा सा कोई टाइम दे दे, निकाल लेंगे। समझ में आया ये बात, समझ में आई ये बात? तो यही सब आपको आइडिया होना, इसी को तो बोलते हैं एप्टीट्यूड, इसी को तो बोलते हैं एप्टीट्यूड। और मैं बोल रहा हूँ गेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, गेट है ही एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है कि आप समय की बर्बादी में ज्यादा समय बिताते हो, समय की बर्बादी में ज्यादा समय बिताते हो, या उस समय को तरीके से यूज कर लेते हो, तरीके से यूज कर लेते हो, बस यही गेम है पूरा, यही गेम है पूरा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और हमको तो छोटी छोटी बातों को देखना है ना भाई, हमको तो छोटी छोटी बातों को देखना है, जब भाई हम लोग धीरे 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 एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे, तभी इस छोटे छोटे टाइम को बचा के एक अच्छे क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे पाएंगे, एक अच्छे क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। आया ये बात समझ में जो मैंने बोला है? बोलो, था ना ये मजेदार कि एग्जाम में कोई भी दिन अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोलिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ गई ये बात समझ में, आइए क्या किया है मैंने, बोलो यस और नो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर मेरे लिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मेरे लिए। ये लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे मेरे लिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या, कट जा रहा है क्वेश्चन, ये लो अब दिख रहा होगा,
हमें 5/100.05 लिखा है, उसको 25/t लिखा था, तो क्या अलग किया ये? 5/100 इज इक्वल टू 25/x को पांच तरीके से लिख दो। 500 को लिख देता हूँ 5 × 10 × 10 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद लिख देता हूँ 5 × 100 लिख देता हूँ। कितना मजा आ रहा है ये सब लिखने में, वाह बहुत ही उम्दा। आ गया आंसर, आ गया इसका। आगे आंसर, टेम्परेरी कॉफर डैम इज टू बी बिल्ड टू प्रोटेक्ट 5-year कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर अ मेजर क्रॉस वैली डैम। ठीक है, द कॉपर डैम इज डिजाइंड विदस्टैंड 20-year फ्लड। ठीक है, 20-year फ्लड की बात हो रही है। द रिस्क दैट स्ट्रक्चर विल, रिस्क चाहता है वो थर्ड ईयर में स्ट्रक्चर ओवरटॉप हो जाए, थर्ड ईयर में स्ट्रक्चर ओवरटॉप हो जाए ये चाहता है वो। ठीक है, बताओ जरा आ रहा है आंसर, कितने लोगों का आंसर आया है? ठीक है, चलो आओ जरा बात करते हैं, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे बहुत ही आसान है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, तो एग्जैक्ट प्योर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोला देखो जरा, एक टेम्परेरी कॉफर डैम है टू बी टू प्रोटेक्ट 5-year कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिल्ड टू प्रोटेक्ट 5-year कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है, 5-year कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला फॉर अ मेजर क्रॉस वैली डैम, इफ कॉफर डैम इज डिजाइन टू विदस्टैंड 20 years, ठीक है, द रिस्क दैट स्ट्रक्चर विल ओवरटैप्ड इन थर्ड ईयर एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने बोला अगर यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करोगे, रिटर्न पीरियड की बात करोगे, तो उन्होंने बोल दिया इट इज गिवन एज टी इज इक्वल टू 20 years। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो इट इज 1/20, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.05। बोलो हाँ, तो उन्होंने बोला इस किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.05, किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.05। ठीक है, किसी ने आंसर किया 2.226 आंसर किया है, गलत है बेटा 0.226। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.05, बहुत बढ़िया। मैंने बोला किसी भी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, तो मैंने बोला किसी भी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 1 - 0.05, दैट इज 0.95। मैंने बोला किसी भी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.95। बोलो हाँ, अगर बस इतनी तो बात थी, हो गया खत्म गेम। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी थर्ड ईयर में, एग्जैक्टली थर्ड ईयर में होना है, तो मैंने बोला पहले साल की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.95। बोलो हाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, क्यू। ठीक है, दूसरे साल में होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.95। बोलो हाँ, क्यू, दूसरे साल भी क्यू, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और तीसरे साल, एग्जैक्टली तीसरे साल होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.05। बोलो हाँ, यहां से आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा, यहां से आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है निकाल के बताएंगे जरा। पहले साल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.95, दूसरे साल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.95, तीसरे साल होने की प्रोबेबिलिटी 0.05। तो एग्जैक्टली थर्ड ईयर पे होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.05। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई है? और बताओ कितना आंसर आ रहा है इससे, और बताओ कितना आंसर आ रहा है इससे।
0.045 आ रहा है किसी का, ठीक है 0.045 आ रहा है, 0.045 आ रहा है, इसका मतलब 4.5% होगी इसके रिस्क, 4.5% है, ठीक है रिस्क जो है तीसरे साल में, हाँ रिस्क जो है तीसरे साल में, बताइए रिस्क, ठीक है चलिए यहाँ तक आज करते हैं, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे को आपको कराने थे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप से, ठीक है ये सेम ही चीज़ों पे है, ये सेम जो कंसेप्ट सीखे हो, दो क्वेश्चन और कराने सेम ही कंसेप्ट पे है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और सॉल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फॉर्मूला क्यों यूज करना है भाई, मेरे को लगेगा फॉर्मूला यूज करना है तो मैं करूंगा, अगर इजीली हो जाएगा तो फॉर्मूला क्यों यूज करना है, मेरे को नहीं समझ में आया, फॉर्मूला अगर मेरे को लगेगा तो मैं यूज करूंगा, नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड का भी ले लेंगे फोटो, तो इस क्वेश्चन को दोनों को आप सॉल्व करेंगे, कल सबसे पहले जब क्लास होगा तो इसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है इसको डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है ये बातें समझ में आई है सब लोगों को, बोलो यस और नो, मैंने बोला कल जो देखने वाले हैं, कल कौन सा डेट है, 15 है ना, हाँ ठीक है, कल अगर 15 है, आज एनवायरमेंट का फॉर्मूला क्लास करेंगे, ठीक है और मेरा मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मतलब अगर आप मैकेनिकल की बात करो, मतलब त्यागी सर इज वेरी क्लोज टू मी, तो हम लोग त्यागी सर और मैं बात कर रहे थे, तो मेरे को बता रहे कि भाई मैकेनिकल में इतना स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को कोई वो नहीं है, प्यार नहीं है क्या गेट से, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम लोग फॉर्मूला क्लास में भी नहीं आ रहे हो, तो तुम लोग क्या करोगे बताओ, ये क्या करोगे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अबे मतलब ऐसा अगर होगा तो मैं एक दो दिन क्लास लूंगा और बंद कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेक श्योर कि ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितने लोग आ रहे कितने लोग नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू चाहते हो, भाई मैंने त्यागी सर को बताया कि त्यागी सर ये बहुत अच्छा स्कीम लगा मेरे को कि स्टूडेंट लोगों को हम डेली फॉर्मूला रिवाइज करवा पाएंगे, तो वो स्टार्ट किए और उनके उसमें हमसे ज़्यादा बच्चे आ रहे मैकेनिकल के, तो भाई मेरे को नहीं समझ में आया कि या तो सिविल के लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो चाहते ही नहीं है कभी पढ़ना, तो ठीक है देखते हैं, मतलब अगर मेरे को लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। त्यागी सर ने तो दे दिया भाई अगले 30 दिन का जो भी 25 दिन का लिस्ट पूरा बना के कि ये फॉर्मूला इस दिन सब्जेक्ट का रिवाइज करने वाले हैं इस दिन, तो अगर ऐसा चाहिए तो मेरे को बता दो, कल आपको एक एक शीट डाल देता हूँ, पूरा रिवाइज कर देंगे, मतलब पूरा पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज कर देंगे साला, ऐसा क्या ही है जो हम नहीं कर सकते। क्लास सर्वे की क्लास बेटा, सर्वे मैंने बोला 17th को मैं आपको मैराथन कराने वाला हूँ, 17th को मैराथन लेने वाले हैं, ठीक है। आज शाम वाला जो सेशन रहेगा वो एनवायरनमेंट पर रहेगा, फॉर्मूला सेशन जो रहेगा वो एनवायरनमेंट पर रहेगा, और मतलब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको शेयर करना, मेरे को नहीं चाहिए भाई किसी भी दिन मैं मैकेनिकल से पीछे नंबर रखूँ मेरा, ठीक है मेरे को नहीं चाहिए कि मैकेनिकल से पीछे हो मेरा नंबर, किसी भी दिन मेरा नंबर मैकेनिकल से पीछे हो, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला, ठीक है। और टाइमिंग कितना, एक सेकंड दीजिए, मैंने क्लास तो बनाया था, मेरे को टाइम याद नहीं है, 7 और 9 में से कुछ चूज़ किया था मैंने,
सेवन और नाइन में से कुछ चूज किया था मैंने। नाइन पीएम है क्लास। ठीक है, 9 बजे रहेगी ये क्लास 9 PM। और कल से जो भी एनवायरमेंट की क्लास होती थी वो सुबह 11 बजे रहेगी, सुबह 11 AM रहेगी। तो कल से या अभी 9 PM मेरे साथ फॉर्मूला रिवाइज करो, कल मॉर्निंग से रोज 9 बजे मेरे साथ फॉर्मूला रिवाइज करोगे, 9 AM टू 9 AM, 9 से 10, 11 तक जब तक भी होगा तो मेरे साथ रोज फॉर्मूला रिवाइज करोगे। आज की टाइमिंग 9 PM है और कल से रोज सुबह 9 बजे मेरे साथ, या रात को 9 बजे जैसा तुम बोलोगे, सुबह बोलोगे सुबह, रात बोलोगे रात, डेली तुम लोग रिवाइज करोगे। बोलो क्या टाइम चाहिए। हाँ, ऐप पर होती है ये क्लास बेटा, ऐप पर होती है, रिवीजन वाली जो क्लास होती है वो ऐप पे होती है। ठीक है, उसको हम लोग आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि आप रात में चाहते हो या मॉर्निंग में चाहते हो। मेरे को लगा मॉर्निंग में लोगों को प्रॉब्लम होती है इसलिए हम लोगों ने, मेरे को लगा मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने इवनिंग रखी है ये 9 PM की क्लास। ठीक है, तो 9 PM क्लास अगर रखेंगे तो मेरे को चाहिए कि आप लोग सब अवेलेबल रहें। ठीक है, रात में ही रखेंगे, मेरे को लगता है रात में सब लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है, रात में सब लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है। सर एनवायरनमेंट को मॉर्निंग करो, पेपर रहता है 10 बजे, फिर नहीं 12 बजे, 11 बजे लेंगे बेटा क्लास। ठीक है, बात देख लेंगे आज डिस्कस करके, बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दिस इज द ओनली थिंग आई हेट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं आपको फॉर्मूला रिविजन शेड्यूल बना के भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, चलो आओ जरा यहाँ पे, चलो ठीक है, अब तो ठीक है, वो तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आज जो क्लास रहेगी वो 9 PM रहेगी। ठीक है, तो ये तो सब लोग जानते ही है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। देखिएगा जरा यहाँ पे, ठीक है, हम लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं आज की क्लास में उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि आप लोग मेरे को जानते हैं। माय नेम इज प्रतीक मिश्रा। ठीक है, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा, आई हैव क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन, आई हैव मेंटर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स एंड अंडर 100 रैंक में, मतलब 500 रैंक में आई हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स हु हैज बीन मेंटर्ड बाय मी। ठीक है, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5+ years एंड दीज आर फ्यू ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन एंड एक्सेट्रा। दिस इज माई कोड प्रतीक 101, यू कैन यूज दिस कोड। जैसे अभी आपने देखा था कॉम्बैट सेशन जब भी स्टार्ट होता है आपका, तो कॉम्बैट में आपको अनलॉक करना पड़ता है कॉम्बैट, बट इट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड, ये कोड यूज करके ही वो अनलॉक होता है, रेफरल कोड यूज करके। तो आपको ये रेफरल कोड यूज करना है, कॉम्बैट देना है सब लोगों को, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्बैट तो देना ही है। साथ में आगे बात करते हैं, देखो जरा यहाँ पे आगे बात करते हैं, अगर हम लोग आपसे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स की, तो प्लस कोर्स में यू विल गेट लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इट इज इन हिंदी इंग्लिश बोथ। ठीक है, आइकॉनिक में यू विल गेट अ पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर एंड एवरीथिंग। दिस आर चैनल जिसपे आपको सारे फैकल्टी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने का नीड भी नहीं है। यह है प्राइसिंग है कुछ, 12 मंथ का कोर्स का प्राइस है 27,225, 18 मंथ का है 34,650 और 24 मंथ का जो कोर्स है इट इज़ इन 39,600। सिमिलरली अगर यहाँ पे 12 मंथ के आइकॉनिक कोर्स की बात करूँगा तो इट इज़ इन 45,225 और यहाँ के 24 मंथ के आइकॉनिक कोर्स की बात करूँगा तो इट इज़ इन 66,600। ठीक है, तो यू कैन ऑल फॉलो मी ऑन @Pratik_Mishra, दिस इज आर चैनल टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन फॉलो इट ऑल्सो, यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स की क्या क्या वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, दीज आर फ्यू ऑफ आर अदर चैनल्स जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए, एसी के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, सब जगह के लिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आज आपको रात में 9 बजे मिलूंगा आपको फॉर्मूला सेशन के साथ। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।